से है तार के भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। की महिमा के आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तार दे पापियों को पाप से है सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्येष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परा वंशी विभूषित करान नव नील दावा पीतांबरा
कृष्णात् परम किमपि तत् त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनयेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे कर दास जन्म जन्म मोहि दे श्री वृंदावन Oh, yeah.
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सच्चे महाप्रभु की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। त्रिवेणी मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान उपस्थित वयोवृद्ध महाराष्ट्र के अनन्य प्रिय एवं शिष्य स्वामी चैतन्य देव जी महाराज, श्री भैया शैलेश बिहारी मिश्र जी, स्वामी दिव्यानंद जी अस्वस्थ हैं इसलिए ज़्यादा देर बैठ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने आज दीप चलाया है, उनको भी नमन। मुख्य यजमान श्रीमती शकुंतला जी, हमारी दीदी श्रद्धा जी, साध्य सिद्धि समस्त संगीत के साधक विप्रगण एवं भगवतानुरागी भाइयों माताओं, इससे पहले कि मैं कुछ आरंभ करूं, आज मन थोड़ा सा भरा भरा सा भी है, आज ही का दिन स्वामी कैलाश जी का, जो हमारे पिता 8 दिसंबर इस समय पिछले वर्ष यहां संस्कार हो रहा था उनका, यही समय की बात है। मैं इसलिए श्रद्धांजलि नहीं दे रही हूं कि वो शरीर के पिता थे या हमारे बाबा स्वामी विष्णु जी मातृवेणी श्रीमती कुसुम वाजपेयी या श्री कैलाश बिहारी मिश्र, मैं इसलिए इन सब का नाम नहीं लेती हूं कि ये हमारे कुछ लगते हैं शरीर से, बल्कि इसलिए नाम लेती हूं कि कृतज्ञ हूं कि इन लोगों के संस्कारों ने मुझे आज सच्चा के द्वार पर बिठा दिया। ये अगर वो संस्कार ना देते, हमारे पिताश्री साइकिल में ढोकर हमको लाते थे कीटगंज से, 6-7 किलोमीटर आश्रम जाना है, इतवार है। मैं आपको आज अपने मन की बात बताऊं, हमारे घर में व्यवहार खत्म हो गया। आजकल शादियां बहुत चल रही, लोग शादियों में बहुत व्यस्त हैं। हमारे यहाँ शादियां होती थी और हम आश्रम आते थे, सारे व्यवहार खत्म हो गए भैया। जहां भी शादियां हो रही है कार्ड आया है, लेकिन संडे है अगर तो हमें महाराज जी के यहाँ जाना है, शादी में नहीं जाना, हमें विवाह में नहीं जाना, हमें विवाह संसार को देखना ही नहीं है, हमें तो अपने गुरु के पास जाना है। कहीं भी यज्ञ हो रहा है और कहीं कोई अगर अपने शारीरिक संबंध में कोई कार्य हो रहा है तो वहां नहीं जाना। इसलिए मेरे बचपन की यादों में न घर की शादियों की याद है, न मुंडन की याद है, न जनेऊ की याद है, हमें केवल याद है तो सच्चा की मुस्कुराहट, सच्चा का प्रसाद, सच्चा का भाव कि आश्रम की अटखेलियां, यहाँ की मिट्टी, वो झोपड़ी, वो सब याद है। ये याद है कि इनके साथ बैठकर हम कैसे भजन गाते थे और कैसे अटखेलियां करते थे, ये याद है, ये स्मृति में है। शादी वादी हमको याद ही नहीं है कि हमारे परिवार में कौन सी शादी हुई, कभी गए भी नहीं हम। तो इसलिए आज मैं उनको श्रद्धांजलि दे रही हूं। लौटे आओ मेरी राह में दिल बिछा दो, अगर तुम कहो जाने वाले अगर लौट के आते तो हम बुला लेते अपने सभी पिता माता बाबा दादी सबको हम बुला लेते, हमारे फूफा जी उनको बुला लेते। क्या कहा कि अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या कहा रोशनी अपना हो पाएगी, देखे दिल का उजाला चराहों को मैं, देखे दिल का उजाला चरा
को दिन बना दूं अगर तुम कहो लौटना। कहाँ गया वो सब, वो जुनून क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, मेरा हाल जानने की भी फुर्सत नहीं। साल भर हो गया, चले गए, चार साल हो रहे हैं श्री कैलाश बिहारी मिश्र जी चले गए। जो कहते थे अरे परवंत तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, क्या बात, आओ दो लाइनें बन गई हैं बाबा की। एक दिन मैं उनकी हमारे फूफा जी के बनाई हुई एक रचना भी सुनाऊंगी, कल परसों में बहुत प्यारी रचना बनाते थे महाराज जी के लिए, उन्होंने जो बनाई वो मैं आपको एक दिन सुनाऊंगी, कल या परसों में सुनाऊंगी। तो वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, मेरा हाल जानने की भी फुर्सत नहीं। अरे किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भी ला दूं अगर तुम कहो लौटना। भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए। एक बड़ी मजेदार बात भी याद आई, सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली। ये आज के भागवत में ये संदेश भी मैं देना चाहती हूँ। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली और जब मरा तो तीन इच्छाएं थी उसकी। तीन इच्छाएं कौन कौन सी, उधर बैठो, क्यों खड़े हो। जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया, पहली इच्छा, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे मेरे जनाजे को कंधा देंगे। सिकंदर की बात, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वो मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चले कि रोग का इलाज करने वाले भी हकीम भी मौत को हरा नहीं सकते। ये पहली इच्छा। दूसरी, जनाजे की राह में मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए, जो मैंने जिंदगी भर इकट्ठा की, ताकि लोगों को पता चले कि जब मौत आती है तो भी धन दौलत भी काम नहीं आती। और तीसरी बात, जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथों को बाहर लटका दिया जाए ताकि इंसानों को पता चले कि जब कोई जाता है तो खाली हाथ जाता है, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ किसी का जन्म भी हुआ है।
और आज ही कोई नहीं भी रहा है। ये संसार का नियम है। न जाने कितने लोग आज इस समय मर रहे होंगे, अंतिम सांस ले रहे होंगे, और न जाने कितने हॉस्पिटलों में बच्चे पैदा हो रहे होंगे। ये सृष्टि है। तो देखिए, आइए उस दुख से, उस भाव से उबर कर हम अपने कन्हैया के जन्मोत्सव में पुनः एक बार फिर से आए। बहुत सुंदर। मैं क्या करूं, ट्रेडिशनल गीत जो होते हैं उनको मेरा मन होता कम गाने का, जो थोड़े से अर्थपूर्ण है, लेकिन उसके बिना भी बात चलती नहीं। ये लोग बैठे रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं कि हमारे हम ऐसे ही बैठे हैं क्या, हमको शोपीस बना के बिठाया, हमसे गवाती नहीं गुरु मां। अरे जगत को जो उठाए हैं झूले में, बाबा हमारे कन्हैया लेटे हैं। हाँ, वसुदेव जी लेकर रात में कल कन्हैया आए, आपने देखा। और कन्हैया को जैसे ही आए, प्रज्वलित चतुर्भुज आए, चतुर्भुज रूप में आए, देवकी जी देखकर घबरा गई, भाई कौशल्या वाली बात हो गई, अरे ये तो दारा सिंह प्रकट हो गया भाई, इतना बड़ा लंबा छोड़ा क्या करूंगी। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं मैया, मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को हल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें धन्य करने आया हूँ, संसार का भार उतारने आया हूँ, इसलिए अब मैं मुझे मैं जो कहूँ वो तुम करो। आहा, और तब छोटे से बन गए। किनारे देखा एक छोटी सी दलिया रखी थी, कुछ कपड़े उपड़े डाले, कहा मुझको गोकुल ले जाओ। बंधन कैसे खुलेगा महाराज, कहा मुझे अपने जीवन का अंग तो बनाओ, बंधन अपने आप खुल जाएगा। आज बंधन खुल जाता है। और जैसे ही वास्तव में वसुदेव जी ने उनको लेकर के अपने सिर पर पधराया कि बंधन खुल गए, सारी सब खुल गए और पहरेदार सो गए, और उसके बाद चल पड़े, सारे द्वार अपने आप खटाखट खटाखट खुलते चले गए, और सामने यमुना, यमुना में प्रवेश कर गए। यमुना जी भी आई और पीछे से शेषनाग जी आए, और सब ने अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करी, और जा करके वहां नंद बाबा के यहाँ अभी अभी उस बेहोशी में है, उन सबको ऐसा बेहोश कर दिया है माया ने, माया की आज्ञा से, कि यशोदा को पता ही नहीं हुआ कि उनकी एक बिटिया भी हो गई है। उस बिटिया को लिया, कन्हैया को उनकी गोद में लिटाया, और बिटिया को लेकर के जैसे ही भाग करके आए, और जैसे ही जेल के अंदर जाते गए कि खटाखट खटाखट दरवाजे बंद होते गए। माया को जीवन में लाओगे, तुम्हारे जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। परमात्मा को अपने जीवन में धारण करोगे, दरवाजे खुल जाएंगे। ध्यान रखना, हम यही तो गलती कर जाते हैं, माया के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ जी, अब सुबह सुबह का समय, तो मैं इसको लोभ समर्थन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं सुना रही हूँ। हमारे विरंजी जी देखा करते हैं कि कुछ मजेदार बजाने को मिल जाए। जगत को जो उठाए हैं उठाता है उन्हें झूला, जगत को जगत तो जो उठाते हैं उठाता है उन्हें झूला, नचाते नचाते हैं जो सृष्टि को, नचाता है उन्हें झूला, जगत को जो उठाते हैं। I'm
त्रिभुवन को झुलाते हैं, झुलाता है उन्हें झूला, जो त्रिभुवन को झुलाते हैं, झुलाता है उन्हें झूला, जगत को सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यावृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं। आइए हम लोग गाले क्या, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, बोलो स्वागतं के नंद बाबा रहे, 80 वर्ष की यशोदा रहे, ऐसा कहते हैं।
बहुत वृद्धावस्था हो गई, कोई बच्चे नहीं हुए। तो अब नंद बाबा के यहाँ जब बच्चे, नंद बाबा जो यमुना नदी में कीर्तन कर रहे थे, अपना भजन कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, जप कर रहे थे, इतने में यहाँ जब देखा तो बच्चा बगल में, अब एकदम से हड़बड़ी मच गई। यशोदा मैया कहने लगी, ओ बच्चा बच्चा भैया, है लल्ला भयो है, जिदोरा पिट गया। छोटे सा गांव, छोटे से गांव में पूरी तरह से थाल बच गया, और वही भाग के बाहर गई और कहने लगी, आओ लल्ला हो गयो, लल्ला है गयो, लल्ला है गयो। अब सारी भीड़ लग गई और उसमें लल्ला जब आए तो क्या बात है, सारी जो रानियां हैं वो सब, जितनी भी गोपियां हैं वो आकर के सज धज के आई और नंद के द्वार में इतनी देर में सजावट हो गई, कन्हैया को पालने में लिटा दिया गया और सभी सखियां बड़े बड़े में से गाने लगी। मुझे ये सब प्रसंग इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो समय कितना अच्छा था कि तुम्हारी खुशी में पूरा गांव खुश हो जाता था, तुम्हारे दुख में गांव खड़ा हो जाता था। पहले पुराने लोग जो हैं, पीछे मोहल्ले में हम लोग जब रहते थे टीटगंज में, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि सब दौड़ गए। आज यहाँ अगल बगल फेसबुक में तो 10,000 हमारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन बगल वाले से बोलचाल नहीं, आज ये स्थिति हो जाती है। हाँ जी, तो कन्हैया झूले पाल नानक होले झूला दी जो, कन्हैया झूले पाल नानक होले देखत मोही लुटाई दियो, न बजी बचिया छछिया ना पिछोरी।
कुछ नहीं बचा, सब लुटा दिया। जब दे देते हैं ना तो मिल जाता है हजार हाथ से, ध्यान देना। नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया, बड़ी प्रसन्नता। अब कथा चूंकि बहुत जल्दी जल्दी मुझको आगे बढ़ना है, इधर बहुत आराम से बढ़िया से हो रहा है सारी बातें, सब भंडारा चल रहा है, माखन और दही की लुटी मची है, सब अपने अपने में आनंद में है, किसी को किसी से कुछ का पूछने और कहने की फुर्सत ही नहीं मिलती। यहाँ कंस गए, जब वसुदेव जी के यहाँ माया रूपी वो बिटिया को लेके गए, रोने लगी। माया तो रोती भी है, रुलाती भी है, भगवान तो चुप रहे, लेकिन माया रोई। जब रोई तो पहरेदार जगे, अरे लल्ला भयो भागे। गए कंस से कहा, ओ महाराज हो गया आपका आठवां काल। अब कंस भागे भागे आया लेकर तलवार, है बस अभी अभी मार देंगे हम, भाग कर आया। और जैसे ही देखा तो बिटिया, देवकी ने कहा तो बिटिया है, ये तो लड़की है, इसको क्या करोगे मार के, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, इसको बचा लो। कहा नहीं, पता नहीं परमात्मा हमसे डर के लड़की का रूप रख के आया है, मैं इसको तो जरूर मारूंगा। उठाया और जैसे ही डाला, क्या बात है, उसी समय क्या बात कह दिया, कंस तुझे मारने वाला काल तो कहीं और प्रकट हो गया है। हाथ से छूट करके वो कन्या आकाश में खड़ी होकर कह रही, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है, तू मुझे क्या मारेगा, अब अपने दिन गिन। और ये कह करके वो मैया वहां से चली और सीधे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर विंध्याचल में जा करके स्थापित हो गई। बोलो विंध्याचल महारानी की जय। जो विंध्याचल आप जाते हो, दर्शन करते हो, ये वही योग माया, वही देवी हैं जो यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होती हैं और कंस को ऐसे आकाशवाणी के रूप में उसको बताती है। कहने का मतलब कि ये देखें आप, हम अगर चाहें कि हम अमर हो जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। अब कंस ने जो है मीटिंग बुलाई, आपातकालीन बैठक, अकासुर बकासुर तृणावर्त शक्तासुर पूतना इत्यादि सब खड़े, कहा बताओ क्या है भाई, ये पता नहीं। अब ये लग रहा है कि देवी ने कहा है कि यहाँ कुछ कोई पैदा हो गया है, अब कौन पैदा हो गया है। कंस ने कहा, भाई गोकुल में मुझे थोड़ी सी आशंका लग रही है, वहाँ बहुत से बधाइयों की सूचनाएं आ रही हैं, एक घर में बड़ा सारी बधाई चल रही है, वहाँ कौन जाएगा। इतने में पूतना मैया खड़ी हुई और पूतना कहने लगी कि मैं जाऊंगी। क्या बात है, कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी में और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को, ठीक सातवें दिन। पूतना जो अविद्या माया है, वह पूतना अविद्या का निवास कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से समझना। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसमें पूतना का वास है। ये 14 विद्याएं, इनको इनमें अगर हमारा कंट्रोल हो गया तो फिर हमें संसार में कोई हरा नहीं सकता। क्या बात है, तो वह पूतना पहुंच गई भगवान के पास। और एक बात आपको और बताऊं कि ये पूतना है कौन, बलि की पुत्री है। वामन के अवतार में जब वामन भगवान आए तो बड़े सुंदर दिख रहे थे, तो राजा बलि की जो पुत्री थी उसको देख करके बड़ा आकर्षण हुआ, कितनी अच्छी, कितने अच्छे हैं ये, अरे हमारे बच्चे होते तो मैं दूध पिलाती इनको, मैं इनको दुलार करती, लाड़ करती। लेकिन जब कुछ ही देर के बाद वामन ने छल लिया बलि को, तो उसको बड़ा क्रोध भी आया, उसको बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, अरे अगर मेरा बस चलता तो मैं इनको मार डालता। तो दोनों ही भाव परमात्मा ने पूरे किए, पूतना को माँ का अधिकार भी दिया और पूतना से मरे, पूतना को मारा भी और माँ का अधिकार भी दिया। तो ये पूतना जब आई, बढ़िया, बहुत सुंदर बधाई धाई लेकर, कंस ने कहा ऐसे जाओगे बड़े बड़े दांत और बिखरे बालों को लेकर तो लोग डर जाएंगे। कहा अभी आपको पता नहीं है मैं कितनी सुंदर बन के जाऊंगी। और बड़ी सुंदर बन के गई। गोपाला गोपाला राधा बल्लभ गोपाला, गाती भी जा रही है।
बच्चे हैं सब गोकुल में जा जाकर सबको मार आई, अब एक ही घर बचा है। सोचा कि बस यही एक घर बचा है जो यशोदा जी का घर है। उतना बड़े आराम से पहुंची, सुंदर रूप बनाकर और दरवाजा खटखटाया। दोपहर का समय सब बड़ा फैल जाता है ना, जब काम काज, जब घर में काम काज होता है तो बड़ा फैल जाता है। हमारे यहाँ इस समय बड़ा सब लोग लगे रहते हैं, दिन भर सफाई करने में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। तो यशोदा मैया भी सब चले गए, दूध दही सब घिरा पड़ा, कीचड़ कांदो हो रहा है, तो सफाई फाई में लगी हैं ये तो, और कन्हैया हमारे झूल रहे हैं। हाँ जी, रोज ही किसी न किसी का आना हो जाता है, तो उसी काम में लगी। अचानक कुंडी खड़खड़ाई पोतना ने और कहा, अरे सखी मैं बधाई लेने आई हूँ, बधाई देने भी आई हूँ, मैं अपने लल्ला को तुम्हारे दर्शन करने आई हूँ, जरा दरवाजा तो खोलो। यशोदा ने कहा, अब कौन आ गया, अभी तो तुम सफाई कर रहे थे, अब फिर कौन आ गया। दरवाजा खोला, बड़ी सुंदर सी स्त्री खड़ी है, क्या बात है। अब जैसे ही देखा यशोदा जी ने तो कहा कि आओ आओ सखी आओ, क्या बात है, अच्छी तुम कहाँ से। अरे मैं तुम्हारी बहन भी हूँ, मैं तुम्हारी मौसी की नानी की चाची की मामी की बहन और बिटिया, पता नहीं कौन कौन सा बता दिया लंबा चौड़ा हिसाब है। कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ सखी, तुम मुझे पहचान नहीं सकती, मैं अपने लल्ला को जरा दुलार तो कर लूँ, मैं प्यार तो कर लूँ, है हमें आवन तो अपने लल्ला को देखन तो दो, मैं बधाई लेके आई हूँ, बड़े सारे खिलौने उलौने लेकर, क्या बात। यशोदा मैया ने कहा, अरे सखी अब बहन तुम जो भी हो ठीक है, अच्छा हुआ आ गई, जरा हमारे लल्ला को संभालो, मैं काम संभालती हूँ। हाँ हाँ जाओ कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तुम जाओ, हम अपने लल्ला से दोस्ती कर लेंगे। आहा पहुंच गई भैया, आहा। और जैसे ही पहुंचे भैया, भगवान श्याम सुंदर लेटे हुए हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा भैया ये मामला गड़बड़, राम जी के अवतार में सबसे पहले स्त्री हमारे सामने आई ताड़का। सबसे पहले राम जी ने किसको मारा जीवन में, ताड़का को। अब कहा कि वहां तो बड़ी देर बाद आई थी, यहाँ तो सतवें दिन चली आई है महाराज, क्या बात, अब क्या करें। तो तुरंत भगवान श्याम सुंदर ने आंखें बंद कर ली, कहा मैं देखता ही नहीं। बहुत से लोगों की व्याख्याएं हैं तमाम, मैं यहाँ कोई विद्वान तो हूँ ही नहीं, तो विद्वत्ता की कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने संतों से सुना है देखा है वही आपसे बांट रही हूँ कि भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद क्यों करी, कोई कहते हैं संत इसलिए कि भाई ये स्त्री है, अब स्त्री को मारना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने सोचा कि अब चलो आंखें बंद करके मार देंगे छुट्टी, क्या करें। अच्छा एक और भाव भर में आया, आंख इसलिए बंद की, नेत्र इसलिए बंद किए कन्हैया ने, सोचने लगे इसको कौन से मुक्ति देना है हमको, इसको गोलोक धाम पहुंचाना है, बैकुंठ पहुंचाना है, शिवलोक पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना, मोक्ष देना है, क्या करना है। तो चिंतन करने के लिए नेत्र बंद कर लिए साहब, बोलो राधे राधे। आंखों में चंद्रमा और सूर्य का निवास होता है, भगवान श्याम सुंदर की आंखों में नैनों में सूर्य और चंद्र निवास करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने परमात्मा को इस पूतना को देखने नहीं देंगे, इसलिए बरबस उन सूर्य और चंद्रमा ने भगवान की आंखें बंद कर दी, क्या बात। एक और भक्त कहने लगे, भावुक भक्त कहने लगे, अजी भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी, अरे आए तो थे माखन मिश्री खाने के लिए, ये तो पहले ही जहर पीने की बात आ गई, माखन तो ठीक से मिला नहीं, ये जहर पीने की बात शुरू हो गई, अब क्या करें, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब तो जहर पीना पड़ेगा, अब जहर पीने के लिए, जहर पीने में माहिर कौन है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ध्यान किया, शिव जी तुम ही जहर पीने में माहिर हो, भैया आ जाओ और आकर मेरे मुख में बस जाओ, जहर तुम पी लेना, दूध हम पी लेंगे, क्या बात। और ऐसे ही तमाम बातें स्मरण करके माँ का ऐसा स्वरूप देखकर देखो कन्हैया को थोड़ा दुख भी हुआ, कहा आई भी तो माँ के रूप में आई, कुपुत्र जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुमाता नहीं होती और ये कुमाता बन के आई है, तो इस बात का बड़ा दुख हुआ,
भगवान श्याम सुंदर को और उन्होंने आंखें बंद कर ली। इतने में उठाया पोतना ने, अरे मेरा लल्ला, अरे मेरा बल्ला, अरे मेरा कन्हैया, बड़ा प्यारा बड़ा सोना है। कन्हैया कहा हाँ हाँ तुम्हारा नाटक मैं जान रहा हूँ। और इसके बाद उसने खिलाया और खिला करके ज्यों ही स्तनपान कराने लगी तो धीरे से कन्हैया ने क्या किया, पहले तो दुग्धपान किया और दुग्धपान के साथ साथ उसके प्राणों को पीना शुरू किया जो जहर लगा के आई थी। आहा, वो जहर कोई काम ही नहीं आया। पूतना ने ऐसा जहर लगाया था कि एक क्षण में मुख जाता और मर जाता बच्चा। लेकिन ये क्या, तो 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गए, पिए रहे दूध, पी रहे बड़े आनंद से और धीरे धीरे प्राण पीने लगे भगवान। सामुंच मुंचालमति प्रभाषिणी विद्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्ति नेत्र चरणों भुजो मोह प्रसिद्ध गात्राक्षिपदी रुरोदह। क्या बात, जैसे ही उसने प्राण पीने शुरू किए पूतना ने कहा छोड़ छोड़, अरे छोड़। कन्हैया ने कहा मौसी जी मैं छोड़ बे नहीं आवे, मैं को पकड़ बे आवे। आज मौसी बनी हो तो फिर क्या बात है। और भैया इस प्रकार बहुत ऊपर ले गई वह अपने माया जाल से, कन्हैया भी उड़ के गए साथ में और उनके पूरे प्राण पी लिए कन्हैया ने। बोला श्री कन्हैया लाल की, और इस तरह से उड़ी आकाश में और जमुना के तट पर गिरी धड़ाम से भैया। और जब धड़ाम से गिरी पूरे ब्रज में आवाज हुई कन्हैया और यशोदा मैया तो अंदर, वो तो बर्तन वर्तन धुल रही साफ कर रही, उन्हें पता ही नहीं कितनी बड़ी घटना हो गई। ये बात, हाँ अब तुमने काम किया, ऐसे ही लेते रहना, आज राक्षस बहुत आएंगे उनको बिल्कुल सेट कर लो। हाँ सारे राक्षसों को ऐसे ही मारना है। हाँ तो भैया गिर गए और गिरने के बाद गिर गया शरीर और इधर हड़कंप मच गई, भागे भागे तो पहले तो सबसे पहले यशोदा मैया ने पलने में देखा तो देखा भगवान गायब। अरे ये क्या हुआ, अरे बचाओ 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 बचाओ, भागी एकदम से सारे गोपी ग्वाल सब भागे। और भाग कर देखा तो भैया लोग कहते हैं 18 किलोमीटर लंबा पूतना का शरीर था, गिरा पड़ा इतना लंबा। अब बड़ा ऊंचा, ये जितने ऊंचे भैया है ना इतना ऊंचा, अब इससे भी ऊंचा शरीर, अब वहां दिखे ही ना कि कन्हैया ऊपर कहां है। तो किसी ने दूर से देखा कि कोई छाया है जो उसकी छाती पर खेल रही है। ओहो कन्हैया ही होगा। सीढ़ियां लाई गई, सीढ़ियां लगाई गई और सीढ़ियों में चढ़कर ऊपर लोग गए और देखा तो कन्हैया वहां खेल रहे हैं। जय जय श्याम लला घन श्याम लला, चिपकाया और जल्दी से गई राई नोन उतारने लगी, दीप पे बत्ती उतारने लगी और बत्ती उतारते समय बोल क्या रही है जरा ध्यान से सुनना कि इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणो व्रत श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु। क्या बात है, भगवान की नजर उतार रही है। अरे मेरे लाला को इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर करें। भगवान ने कहा मेरे ही नाम से मेरे ही नजर उतारी जा रहा। बोलो राधे राधे। और इस तरह से क्या बात है, हंसने लगे। आगे कथा ये कहती है कि ये पूतना की जो घटना हुई उस समय नंद बाबा घर में नहीं थे। नंद बाबा गए थे कंस को कर देने के लिए, कर दिया जाता ना इनकम टैक्स। आप पहले भी राज्य में ऐसे होता था, इनकम टैक्स लगता था, सेल टैक्स लगता था। 9 लाख गौवें थी नंद बाबा के,
तो इतना दूध तो भाई सेल टैक्स तो लगेगा ही भाई, इतना दूध अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बेचा चला जाता नहीं था पहले, लेकिन टैक्स जरूर राजा लेता था, कंस लेता था। तो टैक्स में बहुत सारे घड़े दूध दही घी भट्ठा छाछ सब लगकर छकड़ों में, और नंद बाबा चले गए संभाल के यशोदा को गए कि तुम देखना हम जरा दे के आते हैं कंस को, तो कंस को दिया। और उसके बाद उनको पता चला वसुदेव इनके मित्र हैं नंद के, तो जेल में कारागार में मिलने चले गए। तो नंद बाबा को ये पता था कि बिटिया को कंस ने मार दिया, अब उन्हें ये पता ही नहीं कि ये बिटिया नंद बाबा, तो गए जाकर के वहां पर बड़े भाव से कहने लगे मुझे बड़ी बहुत दुख है आपकी बिटिया नहीं रही, बताइए कंस ने आपके साथ बड़ा अत्याचार किया है। अच्छा आप चिंता ना करें, वसुदेव से कह रहे नंद बाबा देखो कितने भोले हैं, देखो मेरो जो लल्ला भयो ना वो आप ही को लल्ला हो। वसुदेव ने कहा हाँ हाँ वो तो मेरो ही लल्ला है, कर नहीं नहीं मतलब ये है कि वो आप ही को है तो मेरा लेकिन आप ही का है। क्या बात, ये तो वही बात हुई कि जब आप किसी संत को अपने घर बुलाते हो तो कहते महाराज आप ही का भवन है, आप ही का मकान है, आप ही की तिजोरी है, और अगर संत कहते जरा चाबी दे दो तो भी इधर उधर बगले झांकने लगते हो ना, तो वही बात है आप ही का लल्ला है लेकिन छूना नहीं पाई है आप ही का। तो इस तरह से हाँ हाँ इधर सभी ब्रजवासी इधर से लौट के आ रहे थे, जब नंद बाबा वसुदेव से मिलकर तो देखा कि पूरे ब्रज में बड़ी सुगंधि फैली है, पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुदिराशना जिंघासयापि हरये स्तनं दत्वा पसदतुम। या देखो ना क्या बात है, पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं था, पूतना का काम बढ़िया नहीं था, पूतना का रहन सहन बढ़िया नहीं था, उसका स्वरूप बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि उसको मात्र की गति दिया है, माँ की गति दिया है। क्या बात है, इस तरह से पूतना के जिस समय पूतना का शरीर जलाया गया खंड खंड करके जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंधी निकली और पूरे ब्रज मंडल में छा गई, और उस सुगंधी को सूंघते हुए चले आ रहे हैं नंद बाबा और कहे क्या हो गया कैसे हो गया तो बताया गया, अरे बड़े हक्के बक्के रह गए, हो हो परमात्मा ने बड़ी रक्षा करी हमारे लल्ला। अब धीरे धीरे और आगे समय बढ़ा और 6 महीना का लल्ला हुआ तो फिर से उत्सव होने लगे। क्या बात है, जय जय श्याम लला घन श्याम लला, बधाई हो श्याम लला घन श्याम। एक बिना बैल की बिना पशु की गाड़ी बाहर खड़ी थी जो ऐसे उठी रहती थी, पहले आप लोगों ने देखा है कि नहीं, हमने तो देखा है भाई, हमने रब्बा देखा है गंज मुरादाबाद में, हाँ बैलगाड़ी पे चढ़े भी हैं हम। तो बैलगाड़ी में जब बैल नहीं जुते होते हैं तो वो गाड़ी ऐसे नीचे की तरफ होती है और ऊपर उसका वो होता है जिसमें जोता जाता है, उसके नीचे भगवान को लिटा दिया, थोड़ी सी धूप की छाया थी तो इसलिए कहा कि यहीं लिटा देते हैं सुरक्षित रहेंगे भगवान, तो यहाँ लिटा दिया। अब अपने काम में लग गई, सब अपना गा रही बजा रही है, है ना। अब शकटासुर नामक एक, ये शकटासुर कौन है, जड़ बुद्धि है, ये गाड़ी जड़ है, शरीर जड़ है, केवल भोग रूपी गाड़ी में जो लोकाचार वेदाचार रूपी बैल जब होते हैं तब गाड़ी चलती है, और जब लोकाचार और वेदाचार रूपी बैल नहीं जुते होते हैं तो ये भोग रूपी गाड़ी जड़ है, और इस जड़ता को समाप्त करना है परमात्मा को ध्यान रखना, और उसी जड़ भोग को समाप्त करने के लिए कृष्ण भगवान आए हैं, नीचे हैं, और वो शकटासुर जो है तो उसी गाड़ी में बैठ गया, उसने देखा कि नीचे भगवान लेटे हैं तो फौरन बैठा, तो बैठा तो धीरे से उसने अब वो जो ऊपर का जुआ उसको क्या कहते हैं, मैं मुझे देहाती शब्द नहीं आता, तो उससे ऐसे नीचे झुकने लगा, जब झुकने लगा तो भगवान का चरण थोड़ा सा उससे स्पर्श हो गया, और जैसे स्पर्श हुआ तो वो पूरी गाड़ी उड़ गई भैया।
अंतरिक्ष की तरफ और उड़ते 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 ऐसे धम्म से गिरी कि उसी के साथ शंकराचार्य भी खत्म हो गया। क्या बात है, जड़ता को खत्म करने के लिए परमात्मा आए हैं। हमारे जो कर्म हो उन कर्मों में अगर जड़ता है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, केवल जड़ रूप हम बैठे बस कर रहे हैं किसी तरह से, हैं राम 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 राम, ए जरा ये कर देना, राम 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 राम, वो कर देना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और मन में कुछ चल रहा है और जड़ता के साथ हम केवल जप कर रहे हैं और अभिमान भी पाल लिया है कि हैं जी हम जब तक जप नहीं करते हम खाते नहीं, जब तक जप नहीं करते ये नहीं करते। आह क्या बात, महाराज जी बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। उनका कहना यही था कि जो करो मन में हो करके करो, हाँ नाटक मत करो, जो करो वो यथार्थ में करो फिर, और सहज हो। साधना तो सहज बनाती है, जड़ थोड़ी बनाती है। हम साधना करते करते जड़ हो जाते हैं लेकिन जड़ता नहीं, तो इस जड़ता रूपी शक्तासुर को भगवान श्याम सुंदर ने मारा। लेकिन अब आप सबके भावना को मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं एक भजन गा ही देती हूँ। हमारे ही बैठे हैं बेचारे, हाँ ये हाथ हिला रहे भागवताचार्य, ये भी हैं, ये सोच रहे हैं कि अरे भैया क्या भजन नहीं गाएंगे। हाँ जी जरूर गाएंगे, चलिए आपकी इच्छा। शंकर भगवान आए और भगवान शंकर यशोदा जी के पास आए और कहने लगे, मैया हमको अपने लल्ला के दर्शन कराई देव। शिव जी आए हैं यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन और जा, मेरा सोया हुआ
करने लगे कि इधर भगवान को भीतर से कहा प्रभु दर्शन करा दो ना, अपना दर्शन दे दे। कन्हैया ने फिर रोना शुरू किया, अब रोना शुरू किया, अब मैया समझ में ना आवे कि रो कह रहे हैं। तो किसी ने उनको कहा अरे जाओ, हमें लगता बाबा ने कुछ जादू टोना कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, वही ठीक करेगा, इसलिए लेके जाओ। डरती हुई माता अंदर को आई, डरती हुई माता अंदर को आई, हर गोदी में अपने कन्हैया को लाई, गोदी में अपने कन्हैया को लाई, देवों ने की जय जयकार, माता मोहे दर्शन कराए, वो देवों ने की जय जयकार, माता मोहे दर्शन लेते हैं। रोए खंड हो जाते हैं आंखों में आंसू, इस बच्चे को देखकर परमात्मा का स्वरूप इतना कोमल भी हो सकता है, क्या बात है। जो साहस सिर घाव रखा है, जो बिन पद चले सुने बिन उकाना है, वह इस तरह भी हो सकता है। रोमांच हो गया, बहुत प्यार किया, यशोदा को धन्यवाद दिया और अपने कैलाश को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इधर फिर कुछ दिन बाद तृणावर्त नामक राक्षस आया, तृणा मन तृण का खजाना। हाँ, तो ये तृण एक वर्ष के जो भगवान हो गए, तृण का तृणावर्त आया और उसने भी अपने गोले में भगवान को घुमाया और भगवान ने उसको घुमा दिया और तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। और इस प्रकार समय बीत गया, एक वर्ष के प्रभु हो गए, दो वर्ष के, ढाई वर्ष के करीब बलराम जी हो गए, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई कन्नू कहता है, कोई पन्नू कहता है, कोई गुड्डू कहता है, कोई मुन्ना कहता है, पता नहीं क्या क्या सब नामकरण नहीं है। एक कनुआ, कोई कनुआ ही कहना है। अब काले काले थे, थोड़े सांवले थे तो कनुआ कनुआ, और गोरा गोरवा गोरवा कहने लगे। हाँ जी, लेकिन नामकरण नहीं हुआ, क्या बात है। तो नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने मथुरा से बुलाया और बुला करके कहा कि आप ऐसा करें कि जाएं आप। और इधर बहुत दिनों से उनको सब बताया कि हमारा बच्चा है और हमारे दोनों बच्चे वहां पर हैं, आप उनका नामकरण संस्कार करें, लेकिन गुप्त रूप से करिए, किसी को पता ना चले। क्योंकि जब जब वहां पर कोई बधाइयां होती हैं, कोई पार्टी हो जाती है, कोई कार्यक्रम हो जाता है, तो राक्षस अलर्ट हो जाते हैं और कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। इसलिए आप गुप्त रूप से जाइए और जाकर के करिए, और ये भी मत बताइए कि मैंने भेजा। गर्गाचार्य जी पहुंचे अजी और बिल्कुल अपना झोला वोला टांग करके एक शिष्य को लिया और साथ में गए। अजी कोई नामकरण करा ले, कोई नामकरण करा ले, जैसे कोई कहे कान झिदा ले। अब बेचारे करें तो क्या करें। तो यशोदा मैया बैठी हैं, रोहिणी भी बैठी हैं, बच्चों को देख रही हैं, खिला रही हैं। तो किसी गोपी ने कहा अरे सुनो, अरे यशोदा तुम्हारे बच्चों का नाम अभी नहीं रखा गया। हाँ नहीं रखा गया, क्या बताएं, नंद बाबा को छुट्टी नहीं मिलती है, कनुआ अनुआ कह के हम काम चला रहे हैं। कहा देखो कोई पंडित जी आए हैं नामकरण के लिए, क्यों ना बुलाकर इन्हीं से ही नाम करा दिया जाए। तो हाँ बात तो सही, नंद बाबा को बुलाया, गर्गाचार्य जी पहुंच गए और बातचीत हुई। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो मैंने सुना है विश्वस्त सूत्रों से कि तुम्हारे यहाँ जब जब उत्सव होता है कोई राक्षस आ जाता है। भैया हम बहुत डरते हैं राक्षस से, इसलिए ऐसा करो कि चुपचाप आप कुछ आयोजन करो, किसी को मत बताओ। गौशाला आपकी इतनी बढ़िया है, 9 लाख गौओं के बीच में छुपकर हम लोग बैठ जाएंगे, कोई जान ही नहीं पाएगा। और वहीं पर चौकी ओकी लगाई, सब गोबर से लीप लाप के बढ़िया साफ सुथरा करके, और यशोदा मैया के मन में आया और रोहिणी से कहने लगी अरे रोहिणी एक बात बताओ, ये तो सड़क छाप लग रहे हैं, ये महात्मा जैसे हम अपना नाम बच्चे का नामकरण कराएं, ये पता नहीं सिद्ध है कि नहीं है, जाने कैसे हैं, हमारे लल्ला का ना जाने क्या जंतर मंतर कर दे, क्यों ना हम लोग इनकी परीक्षा ले। रोहिणी ने कहा हाँ हाँ बताओ क्या परीक्षा लेना चाहती हो। कहा ऐसा करो तुम्हारे लल्ला को हम अपनी गोद में रख ले और हमारे लल्ला को तुम अपनी गोद में रख लो, देखें ये कितने सिद्ध है,
इन्हें पता चलता है कि नहीं कि किसका लल्ला है। बोलो राधे राधे। यशोदा के गोद में पहुंच गए गौशाला, सब पूजन उजन हुआ, पंडित जी पूजा करा रहे हैं, और जैसे ही यशोदा रानी और रोहिणी अपने अपने बच्चों को लेके पहुंची, गर्गाचार्य ने पहली दृष्टि में जो ही कान्हा को देखा, भैया समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, और ऐसे देखते रह गए। 5-10 मिनट हो गया, यशोदा ने धीरे से कोहनी मारी रोहिणी को, लगता है ये पंडित जी पधरा गया क्या, लगता चले गए। अरे बाप रे, मरनो हो तो हमारी गौशाला में मरे, कहीं हो जाके मर गए, यहाँ आके मर गए, बढ़िया बहुत बड़ी समस्या, तो अशुद्ध हो गयो सब। इतने में उनके चेला ने समझा, गर्गाचार्य के चेला ने धीरे से कहा, महाराज नीचे आओ, देखो यहाँ तुम्हारे मरने मारने की बात हो रही। ओहो हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, यहाँ चलो नाम लो। यशोदा जी ने कहा पहले हमारे लल्ला का। क्या बात है, तो बलराम को अपनी गोद में बिठा के कह रहे हैं कि हमारे लल्ला का नाम रखो, लेकिन गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं, अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। रोहिणी का बच्चा, समझ गए। यशोदा जी ने कहा हो, ये तो बड़े सिद्ध हैं, अरे वाह क्या बात है, ये तो समझ गए। हाँ, ये रोहिणी का पुत्र है और बहुत बल है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। रोहिणी की गोद में जो है आसन्न वर्णास्त्रयो हास्य ग्रह्यतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। इसका पहले शुक्ल वर्ण था, रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और अब यह है कृष्ण वर्ण में संसार में आए हैं। ये सांवले हैं, इनका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण बलराम की। अच्छा, गोपियां सब ढूंढा करती थी उत्सव का बहाना। गोपियों, एक दो गोपी, मैं मुझे तो झांकी दिखाई पड़ती है, दो चार गोपी मिल गई यशोदा के घर, गई कि जाए कुछ काम कराया हमें या लल्ला को खिलाया हमें, तो देखा घर सूना पड़ा, गई कहाँ गए सब, गई कहाँ, ढूंढा ढाड़ा तो देखा कि कुछ आवाज गौशाला से आ रही है, तो धीरे से सब घुस गई। अच्छा, तो बिना हम लोगों को न्योता दिए नामकरण, धीरे से ढोलक मजीरा लिया, बुरा नहीं माना, जैसे आप सब मान जाती है हमको नहीं बुलाया हम नहीं जाएंगे ना, लिया ढोलक मजीरा और गौशाला में घुस गई और गाने लगी। क्या अच्छा नामकरण हो रहा है, हमारे बिना नामकरण कैसे होगा, हम लोग अपना अपना नाम रखेंगे क्या। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, तो कहती थी मुझको करने
अचेत्य अवैद्य सुवेद बतावे। नारद से जुग व्यास रहे बचिहारी को मुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोरिया छचिया भर चाच पे नाच न जावे। छचिया भर चाच पे नाच न जावे। छचिया भर चलने लगे, धीरे धीरे आने लगे, बाहर निकलने लगे, निकलकर बाहर और जाने लगे, लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। अब जल्दी से बड़ा कर दें भगवान को, जी हाँ। और उसके बाद बड़े हुए, इधर उधर भटकने लगे, जाने लगे, अब कहीं जाएं धीरे से। 2.5 साल के हो गए, ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। और चल करके गए, किसी बछड़े को रस्सी से खोल देते हैं। हाँ, बड़े चंचल हैं, इतने चंचल हैं कि क्या बताएं हम आपको। सारी गोपियां परेशान हैं, भीतर से तो बड़ी प्रसन्न है लेकिन ऊपर से परेशान भी है। सारी गोपियां आपस में एक दिन सलाह करती हैं और सलाह करके कहती हैं, चल के हमको यशोदा को बताना चाहिए कि इनका लड़का, इनका लल्ला अच्छा पिटपुछना हुआ, ये हम लोगों के लिए मुसीबत बन गया, जाके बताना है। वत्सान पुंजन क्वचित समये क्रोश संजात हास स्तेयम् स्याद्यत दलिपय कलिपते स्तेय योगैः मरकान् भोक्षन विवजति सचेन्नदि भाण्डं भिन्नन्ति द्रव्यालाभे च गृह कुपितो याति पक्रोश योगा। बहुत सारी नारियां एक साथ मिलकर के टीम बना करके गुट बना करके पहुंच गई यशोदा के यहाँ आक्रमण कर। हाँ जी, तुम्हारा लल्ला हमें परेशान किए पड़ा है, क्या करता है? अरे पूछो ना, ये जाता है हमारे बछड़ों को खोल देता है, बछड़े भाग जाते हैं, फिर ढूंढना पड़ता। एक सखी ने कहा, जानते हो एक बार हम दोनों, हम और पति हमारे बैठे थे और हमारी चोटी और पति की धोती को बांध बांधा पीछे से, हमारी चोटी लंबी सी और पति की धोती निकाली और बांध दिया और बांध के कहा, अरे अरे गोपी वो देखो वहां तुम्हारा बछड़ा जा रहा है। अब जल्दी से जो है पत्नी उधर उठी और उतने पति उधर, धड़ाम से गिर गए क्योंकि दोनों के बंधी हुई थी चोटी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। हाँ जी, एक गोपी कहने लगी, अरे मैं तो क्या बताऊं, एक बार हम सत्यनारायण की कथा कर रहे थे, हमको बड़ा मजा आता है इस कथा। सत्यनारायण की कथा में हम पंजीरी भूंज रही थी। हाँ जी, अब पंजीरी भूंज रही, अब वहाँ चौकी ओकी लगी सफाई फाई करके कि सालीग्राम को बैठाएंगे। इसमें धीरे से ये लल्ला गया तुम्हारा और जा करके दो ठो पिल्ला, कुत्ता के पिल्ला उठा लाया और सत्यनारायण की जो चौकी होती उसमें बैठा दिया और कहा, ओ चाची सत्यनारायण जी पधार गए, पूजा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण जी पधार गए। अरे राम, और जब मैं देखी तो अरे बाप रे, फिर से चौका धोया, फिर से सफाई करी, तो ऐसा तुम्हारे लल्लो क्या बताएं, ऐसा परेशान करता है ये। इस तरह की बहुत सारी बातें। और तो और, तुम्हारे यहाँ इतना माखन होता है लेकिन इतना चोरी करने लगा, हमारे यहाँ चुरा के खाता है। हम लोग बाहर चले जाते हैं पानी लेने और जाकर हमारे यहाँ सब हड़िया फोड़ देगा, दही खा लेगा। और बैठकर एक दिन तू हमने देखा मैया कि बैठा मजे से बहुत सारे बंदरों को बुला के और मक्खन लुटा रहा है, खा रहा, खाओ खाओ खाओ, रामायण अवतार में तुमने हमारा साथ दिया, अब मक्खन उड़ाओ। क्या बात है, ऐसे हमारे भगवान और इस तरह की लीला कर रहे हैं। सभी बड़े परेशान हैं और लेकिन फिर भी भीतर से बड़े आनंद में हैं। नाचे नंद लाल घर में माखन की कमी जो दूसरों के यहाँ जाके खाता है। नहीं नहीं मैया, मैं नहीं माखन खाया,
आप इनकी बातों में ना ना मैया, अपना हाथ छोटा छोटा हाथ ऐसे करते हैं, मुंह बना लेते हैं, आंसू उधड़क जाते हैं और मैया कहते हैं जाओ हमारा लल्ला झूठ नहीं बोल सकता। माँ तो माँ होती है ना, हृदय से चिपका लेती है। और इस तरह से और समय बीता। एक दिन कन्हैया थोड़ी सी गुदगुदी सी मिट्टी थी, पानी से गीली गीली। कन्हैया ने सोचा पृथ्वी पे आया हूँ, पृथ्वी का भी मन हो रहा है कि हमारा भी तो स्वाद ले, हमें भी तो ग्रहण करें। भगवान कृष्ण ने एक थोड़ी सी गीली सी मिट्टी उठाया, मेरे भी मुंह पानी आ गया। हाँ जी, मिट्टी खाने का स्वाद ही क्या बात, मजा आता है, स्वाद आ गया, लग रहा मिल जाए जल्दी से। और मिट्टी उठाई, गोल गोल पेड़ा बनाया, कपाट से अंदर। एकदा क्रीडा मानास्ते रामाद्य गोपदारक कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। बलराम जी देख रहे थे, कन्हैया मट्टी खा रहे। बलराम जी क्यों बनकर आए? बलराम शेषावतार भगवान कृष्ण के बड़े भाई क्यों बनकर आए? उसका कारण है क्या? जब लक्ष्मण के रूप में थे तो जब भी लक्ष्मण कुछ कहते थे राम जी मना कर देते, नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तुमको ये नहीं करना है। हमेशा कादर मन हो या धारा देव देव आलसी पुकारा, जाओ ये करो वो करो। और जब लक्ष्मण जी कुछ मना करें, सीता जी के परित्याग में जिस समय तुम ही लेकर के जाओगे, लक्ष्मण जी मना नहीं कर पाए। सीता के अग्नि की परीक्षा में कहा कि लकड़ी लेके आओ और अग्नि को प्रज्वलित करो, लक्ष्मण जी मना नहीं कर पाए। बड़ी समस्या। लक्ष्मण जी रूपी शेषावतार ने सोचा कि अब अगले अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर आऊंगा और तब इनको समझाऊंगा कि बड़ा भाई होना कैसा होता है। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया, तुम बड़े बनो चाहे छोटे, काम हम अपने ही मन का करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और इस तरह से मट्टी खाली, बलराम अवसर ढूंढ रहे थे कि कैसे हम जाके शिकायत करें। माँ माँ देखो इसने मट्टी खाई, एक कन्हैया ने मट्टी खाई। अच्छा जी मट्टी खाई, ओहो हो, दौड़ के आई और कहने लगी बता बता दिखा कहाँ खाई, कहाँ खाई, हमने नहीं खाई मैया, मैंने मट्टी नहीं खाई। अरे कैसे नहीं खाई, कहा मुंह दिखा। जैसे मुंह खोला है भैया, रामावतार में भी यही लीला कौशल्या के साथ हुई और यही लीला कृष्णावतार में भगवान ने करी। अगणित रवि शशि शिव चतुरा जी ने देखा अगणित रविशशि, हजारों सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ब्रह्मांड न जाने कितने हैं, देख रावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मन। ना हम भक्षुताव नम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। मुंह खुलाया तो मुंह खुले में देखा कि भगवान पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, न जाने कितने शिव हैं, न जाने कितने विष्णु हैं, वैकुंठ हैं। और ऐसा देख करके यशोदा मैया के हाथ पर कांपने लगे, अनुभूति करा दी भगवान श्याम सुंदर ने। और फिर से माया कि कहीं वो हमारा जो माँ और बेटे का रस है, वो प्रेम रस, वो मातृत्व हमसे कहीं छीन न जाए। इसलिए कन्हैया ने अनुभूति अवश्य कराई लेकिन विस्मृत भी करा दी। अब फिर से होश में आई और कह रही है तूने मट्टी खाई, हाँ नहीं मैंने नहीं खाई, और ये वो करके काम होने लगा। और आगे कथा चलती है भैया, वाह क्या बात। पहले माताएं 5 वर्ष तक बच्चों को दूध पिलाती थी, पहले के समय में 4-5 वर्ष तक। तो भगवान कन्हैया बड़े तो हो गए हैं लेकिन फिर भी दुग्धपान माँ करा रही है, क्या बात है। अब
दुग्ध पान करा रही है और धीरे धीरे सहला रही है कन्हैया को। हाँ, बड़ी झाके शुभदेव जी बड़े आनंद में देख रहे हैं और सुना रहे परीक्षित को। क्या बात, कहा मैया जो है बड़े प्यार से, अरे मेरा लल्ला, अरे मेरा बच्चा, देखो तू बहुत प्यारा है। तो कन्हैया ने कहा, मैया ये बताओ कि तुम हमको हमको प्रेम करती हो ना? हाँ हाँ लल्ला, हम तो तुम्ही को प्रेम करते हैं। अच्छा, हमसे ज्यादा तो किसी को प्रेम नहीं करती हो ना, हम ही तुम्हारे लल्ला है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुमसे ज्यादा हमारा कौन प्यारा है, बिल्कुल नहीं। क्या बात, तमंगमारूढ़म पाययत्स्तनम स्नेहस्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन यायावुत्सचित्यमाने पयसि तद्दिश्यते। जैसे ही दुग्ध पी रही है, सामने दूध चढ़ा है अग्नि पे बहुत बड़ी हड़िया में, और वो श्यामा गऊ का दूध है। जब माँ से तृप्त नहीं होते थे तो श्यामा गौ का दूध पीते थे, अब वही दूध वहां चढ़ा। तो संतों ने कहा कि जब दूध चढ़ा तो दूध को बड़ा गुस्सा आया कि ये सारा दूध जब सब दूध जो है वो माँ का पी लेंगे तो मुझे कब पिएंगे। तो नाराज हो गया वो दुग्ध भी। क्या बात, ये प्रकृति है, ध्यान से समझना, सब में जीव है, सब में एहसास है, ना समझना कि जड़ है। हाँ, तो दुग्ध को लगा कि अरे मुझे नहीं पिएंगे कन्हैया, तो इसलिए उसमें उबाल आया और इतना उबाल आया वो उफन कर गिरने लगा। और जैसे ही गिरने लगा यशोदा मैया की दृष्टि गई, अब इधर दुग्ध पान करा रहे हैं और उधर दृष्टि जा रही है, वैसे ही कन्हैया को बिल्कुल बेदर्दी से खींच के गिराया, पटका और भगी। एक क्षण पहले जो कहती थी तू ही मेरा लल्ला, तू ही मेरा सब कुछ, हैं? तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरी अखियों दे तारे, मैं तो बस यूं ही जी रही एक तेरे सहारे। तू मेरा करती हो, बच्चे को खिला रहे हो, अचानक याद आ कुकर की सीटी बज रही है, वो पटकती हो, भगती हो गैस बंद करने के लिए, है ना? वही स्थिति हुई, पटक के गई। अब जैसे ही पटक के गई, कन्हैया ने कहा अच्छा ये बेदर्दी, अभी एक क्षण पहले कह रही थी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ और एक क्षण में वो दूध जाना हो गया है। ओह, अब गुस्सा आ गया भैया बड़े जोरों से। संजात कोपस्फुरितारुणाधरम संतुष्य तद्भिर्धि मन्मथा भाजनम भित्वा मृषास्त्र दर्श दशमा रहो जघास हय्य दडम वंदरम गतः। जैसे ही वो गई, भगवान श्याम सुंदर ने बड़े गुस्से में आए और लिया मूसल, एक मूसल रखा था जिससे कि लोग धान कूटते थे, उठाया मूसल और सबसे पुराना घड़ा जो यशोदा मैया को वो दिखाई में उनके सास ने दिया था ना, उस घड़े जा करके धड़ाम से फोड़ दिया। अब फोड़ा सारा दूध बिल्कुल घर गया, कीचर कीचर हो गया और बिल्कुल कन्हैया जो है क्रोध में सारे धड़ाधड़ सब घड़े फोड़ने लगे। इधर भड़ा भड़ की आवाज आई तो यशोदा जी भाग के आई, ये क्या हो गया? तो देखा तो यहाँ सब कीचड़ मची एक मिनट में। अच्छा, सारे घड़े फूटे कोई बात नहीं, वो मुंह दिखाई का उनका खानदानी घड़ा था। हाँ, उनकी सास ने दिया था। हाँ जी, वो बिल्कुल खानदान से जैसे होता है ना, कभी कभी हार चला आता है, कंगन चला आता है कि हमारी सास ने हमको दिया, उनकी सास ने उनको दिया, है तुमको दिया कि नहीं दिया, सास ने दिया ना खानदानी। हाँ, तो वैसे ही खानदानी, तो वो सब मामला अजीब अजीब स्थिति। अब वो जो घड़ा फूटा
बस उसमें फिर गुस्सा आ गई, मेरे मुंह दिखाई का घड़ा तोड़ दिया, उठाया डंडा और पीछे पीछे भाग रही है। जय जय श्याम लला घन श्याम जय जय श्याम लला घन श्याम लला जय जय श्याम लला घन श्याम लला जय जय श्याम लला घन श्याम लला जय जय गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला मेरे नंद लाला मेरे गोपाल उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो खल होता है, जो दुष्ट होता है, उसको ना दिन में दिखाई पड़ता है ना रात में दिखाई पड़ता है, वो अंधा ही रहता है। हाँ, वो देखते हुए भी नहीं देखता है, किसी की अच्छाई उसको दिखाई नहीं पड़ेगी, हमेशा बुरा ही देखेगा। तो उसको उस उल्लू खल में भगवान बैठे और सब बंदरों को दही माखन खिला रहे थे। इतने में मैया आई और मैया ने आकर के जैसे ही लगाना शुरू किया, भगे एक भगवान कन्हैया, कन्हैया को कौन पकड़े भैया। हाँ जी, तो जब बहुत ज्यादा हो गया तो हमारी यशोदा जी के क्लांत मुख को देखकर, मैया को दुखी देखकर, थका हुआ देखकर कन्हैया को दया आ गई। स्वमातु स्विस्न गात्राया विस्तृतम करम कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधनी। उनको बड़ा दया आ गई और खुद वो बंधन में बंधने के लिए पकड़ गए, अपने आप को उन्होंने पकड़ा दिया। परमात्मा पकड़ा दे आपको अपने आप को ना, तो धन्य हो जाते। तुम पकड़ोगे तो स्थिर नहीं होगे, तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाती है। कुछ ऐसा करो कि परमात्मा तुम्हें पकड़ ले, और जब वो पकड़ ले, जब वो तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा, तो फिर तुम्हें छूटने का कहीं कोई चांस नहीं है भैया, क्या बात। और इस तरह से भगवान पकड़ में आ गए। अब रस्सी आई और कहा चलो बांध दे, जब बांधा तो दो अंगुल छोटी। हाँ जी, ये किस्सा श्री रामचरितमानस में भी हुआ। हाँ, और कब हुआ? काकभुशुंडी जी के जीवन में हुआ। तब मैं भाज गयो उर्गारी श्री राम काकभुशुंडी जी जब भागे हैं अपनी कथा में गरुड़ जी को सुना रहे हैं, तो दो अंगुल का ही रह गया, भगवान का हाथ दो अंगुल पीछे और भुशुंडी आगे, क्या बात है। तो दो अंगुल की बात, ये बड़ी सुंदर बात है। दो अंगुल कम क्यों है? दो शक्ति है भैया भगवान की, एक माधुर्य शक्ति है और एक ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति जो गोपाल बन के आया है, मैं इसको बांध के रहूंगी ऐसा कहती है। माधुर्य मतलब गोपी, माधुर्य मतलब राधा, माधुर्य मतलब रास, माधुर्य मतलब गोप। इन लोगों को है, हम कन्हैया को बांध लेंगे,
लेकिन माधुर्य शक्ति से भी परमात्मा बद्धता नहीं है, फंसता नहीं है, ध्यान देना। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं भगवान को बधने नहीं दूंगी। कैसे? मैं नहीं बधने दूंगा। अब इसी दोनों में झंझट हो रही है। माधुर्य बांधना चाह रही है, ऐश्वर्य बांधने नहीं चाह रहा है, और इस वजह से दो अंगुल की दूरी पड़ रही है। सारे घर के कपड़े आ गए, साड़ियां मोड़ मोड़ के रस्सी बना दी गई, लेकिन इतनी पतली कमर है, लेकिन सारे घर के रस्सियां लग गई, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाए। क्या बात है! लेकिन एक बात समझना, परमात्मा जब बांधना चाहेगा तो बांधेगा, तुम उसे बांध नहीं सकते, ध्यान रखना। स्वमातु स्विघ्न गात्रया विश्रिकवर सजह दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबन्धने। माँ को जब थका हुआ देखा तो भगवान स्वयं बंध गए। क्या बात! और जब बंध गए कब बैठा रहा है, यशोदा मैया ने डांटा कस के बैठा रहा तू। अब चली, फिर सफाई फाई शुरू हुई, दूध दूध गिर गया, वो जो हंडा था सब टूटा गया, टुकड़े टुकड़े सब समेट रही हैं। अब इधर कन्हैया ने सोचा कि आगे क्या करना है। एक यमलार्जुन घर के द्वार पर, जड़ नीचे से एक है लेकिन दो पेड़ निकले हुए हैं, तो हमारे कन्हैया ने सोचा कि क्यों ना हम इसको इसका उद्धार करें। क्यों? क्योंकि नारद जी ये जो यमलार्जुन के वृक्ष हैं, ये कुबेर के पुत्र हैं दोनों। एक बार ये कहीं जा रहे थे, देवर्षि नारद जी को देखा और सम्मान नहीं किया। ध्यान रखना, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी कह रहे हैं ये बात। हाँ, पैर पलट पलट के छूने से नहीं होता, हृदय का सम्मान बहुत जरूरी है। पैर छूने की बीमारी जो है वो बीमारी नहीं, ठीक है चरण छू, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान भी करो। हंसी उड़ा के पैर छू रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। सम्मान होना चाहिए हृदय में। आप हाथ जोड़कर जय सच्चे की, जय श्री राम, जय कृष्ण कह दोगे तो भी चलेगा। तो सम्मान, ये नहीं कि जड़ की तरह खड़े हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, मैं आती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, तो खड़े हैं कोई मतलब ही नहीं है। वो कर रहे हैं मोबाइल, बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं उल्टा सीधा, है ना। क्या बात है! नारद जी ने कुबेर के उन पुत्रों को जैसे ही देखा तो देखते ही उन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, जड़ की तरह खड़े रहे, और तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ, जड़ हो तुम वृक्ष बन जाओ। और जब वृक्ष बन गए तब वो परेशान, उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु नारद जी हमसे गलती हो गई, कुछ तो करो। कहा जब कृष्ण स्पर्श कर लेंगे तुम्हारा, तब तुम द्वापर युग में तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान श्याम सुंदर को वो बात याद आ गई, तो घुटनों घुटनों चलने लगे भैया। चलते चलते पहुंचे उन दोनों वृक्ष के आगे, वो निकल गए और उल्लू खल जो उखल है उसको अटका दिया और जरा सा खींचा कि धड़ाम से गिर गया भैया। बोला घनश्याम लाल की। और इस तरह से यमराज जो प्रकट हो गए, प्रकट होकर प्रणाम किया और अपने लोग को चले गए। अब इधर फिर धार से आवाज हुई तो अब यशोदा की, हे भगवान ये कैसा बच्चा हमको मिला इस बुढ़ापे में, इधर भड़भड़ा के तोड़ा, अब उधर धड़धड़ा के वृक्ष गिरा दिया। क्या बात है! अब भाग के गई, सभी गोप गोपी आ गए और आकर के नंद बाबा से कहने लगे, ये चक्कर क्या है, जब से कन्हैया आया है रोज कोई ना कोई समस्या ही पैदा हो जाती है, तो ऐसा किया जाए कि चलो हम लोग चलते हैं कहां, वृंदावन। और वृंदावन में हम लोग चल के बड़े आनंद से वहां पर अपना घर बनाएंगे। हमको लगता है कि ये जो गोकुल का घर है इसमें कोई भूत प्रेत आ गए हैं क्या। जब देखो कोई राक्षस आ रहा है, तो कोई गाड़ी उड़ रही है, तो कहीं कोई कुछ हो रहा है, अब देखो पेड़ ही उखड़ के गिर गया। अब किसी को ये विश्वास नहीं, एक छोटा सा बच्चा देख रहा था। हाँ, बड़ी मजेदार, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सत्य देखते हो लेकिन आपको कोई मानता नहीं। वो छोटे से बच्चे ने देख लिया कि कन्हैया नहीं, ऐसे खींचा है और वृक्ष गिरा है। अब वो चिल्ला चिल्ला कर, बाबा एक कन्हैया गिराया है, एक हट पागल कहीं का, ये कहीं कन्हैया गिरा सकता है, पागल तू भी पगला गया कन्हैया की तरह। नहीं नहीं बाबा, हमने अपनी आंखों से, अरे तेरी आंखें बटन है, अरे को चुप कर दिया। अब वो क्या कहे, कन्हैया भी मुस्कुरा रहा उसको देख के कि बेटा तुम हमको ऐसा कहोगे, हमारी शिकायत लगाएगा। और एक चांटा भी बेचारे को पड़ गया।
कहने का मतलब मीटिंग हुई और वृंदावन की तरफ हमारे नंद बाबा ने कहा सामान समेटो चलो, घर का सारा सामान छकड़ों में आने लगा। इतने में गोप गोपी जो उस इधर उधर रहते थे उन्होंने कहा हम भी जहाँ कन्हैया रहेगा वहीं रहेंगे, अपना घर बार छोड़ दिया भैया। ये सब बड़ी सांकेतिक कथाएं हैं, ये सब बड़ी साधनात्मक कथाएं हैं, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा शुष्कता आ जाती है कि आप लोगों के लिए हमें सहज होकर के बोलना पड़ता है। परमात्मा के लिए घर छोड़ दिया, अपना चौबाला छोड़ दिया। अक्सर लोगों के मन में होता है हमारी बुजुर्गों की देहरी है, हम उसको कैसे छोड़ें, लेकिन देखो आप कन्हैया के लिए उसके प्रेम में उन्होंने कहा नंद बाबा जहाँ आप रहोगे वहाँ हम रहेंगे और चल पड़े भैया लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन
पावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासुत्तमां प्रीति राम माधवयो होनी चाहिए। कथा का मतलब केवल कथा में ठीक है, गंभीर भी रहो, लेकिन जब जहां जो स्थिति आवे उसमें अपने को हल्का कर लो ना भाई। यहां कोई पद प्रतिष्ठा लेके मत बैठो। जहां नाचने का मन नाचो तो नाच ही नहीं रहे। जहां मन हो के खड़े हो जाओ, जहां मन हो समाधि में चले जाओ, सहज हो जाओ। कन्हैया सहजता सिखाता, भगवान हमारे सहजता से। राम जी भी सहज है, सरस है, वैसे कन्हैया भी सहज है, सरस है। और इस प्रकार वृंदावन चले गए। वृंदावन में सब कुछ जमा जमाया, हिसाब जमाया, सब ठीक से सब रहने लगे, सब व्यवस्थित हो गए। अब थोड़ा और बड़े हुए हैं, 4-5 साल के हुए हैं। और एक दिन कन्हैया नंद बाबा से कहने लगे, बाबा बाबा हम भी बछरान को चरावे जाएंगे, गैयाओं को चराए जाएंगे। गैया चरैया काम ही है भैया दुर्वंशियों का, हम गैया चराएंगे। बाबा ने कहा, तुम गैया कहाँ चराओगे, अभी बहुत छोटे हो, गैयों के पीछे कहीं लग गई, चोट लग गई, कुछ हुआ। नहीं नहीं, हम तो चराने जाएं, हम बहुत बड़े हो गए, अब कहाँ छोटे हैं। अच्छा भाई ठीक है, तो ऐसा करो गैया ना चराने जाओ, तुम बछड़ा चराने जाओ। हाँ जी, अब बछड़ा चराने के लिए जाने लगे हमारे कन्हैया और बलराम जी हैं, छोटे छोटे और ग्वाल हैं सब, और वो सब चरा रहे हैं वहीं पर। फिर आ गया देखो वृंदावन, जिस मुसीबत को छोड़कर आए वो मुसीबत यहाँ फिर आ गई। हाँ, सोच रहे थे कि गोखले में आ सकती है। महाराज जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कहते थे कि जहां भी भागने का प्रयास करोगे परिस्थिति वहीं खड़ी हो जाएगी। तुम परिस्थिति से भाग कर मत जाओ, जहां जाओगे वहीं तुम्हारी परिस्थिति खड़ी। तो उसी तरह कन्हैया नंद बाबा सोच रहे हैं कि गोकुल में कारण सब हो रहा है, तो वृंदावन चलो वहां सुरक्षित रहेंगे। वहां भी भैया वत्सासुर आ गया। मन की चंचलता का नाम है वत्सासुर, बछड़ा बछड़ा, वो वत्सासुर बछड़ा बन करके ही वो असुर आया और उसको भगवान कृष्ण को मारने के लिए जब दौड़ा तो भगवान ने उसको पटक कर मारा और मुक्ति दे दी। तो मन की चंचलता, मन से चंचल मत बनो। ऊपर के व्यवहार में तुम चंचल हो, हमें बहुत से लोग कहते हैं, हमारे भक्त कहते हैं आप चंचल बहुत, हमारा स्वभाव है। भीतर गंभीर हो लेकिन ऊपर से सहज, वो ज्यादा खतरनाक है कि ऊपर से तो गंभीर है साहब लेकिन भीतर चंचलता है, भीतर चतुराई है। हाँ, भीतर चिंतन चल रहा है, अब ये हो जाता वो हो जाता और ऊपर से गंभीर साहब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सहज। ऊपर से चंचल बने रहो, भीतर से गंभीरता होनी चाहिए साहब। महाराज जी हम लोगों के साथ कभी कभी बच्चा बन जाते थे। हाँ, कभी कभी हम आए यहीं पर समाधि में, जब महाराज जी थे तब तो ऐसे बैठे रहे, आज तुमने कितनी रोटी खाई, तो हम कहे महाराज जी हमने आज 1.5 रोटी खाई, हमने भी 1.5 खाई। हाँ जी, ऐसे महाराज जी हमसे कहते थे, खेलते थे, हैं? कभी कभी कुछ कहें, कभी कुछ कहें, हम लोगों के साथ बहुत खेल किया है, इनके साथ बहुत खेल किया है, इनको नृत्य सिखाया है, हाँ कि ऐसे ऐसे नाचो, ऐसे करो, ऐसे। तो सहज हो जाए सन। एक बार मुझे याद आ रहा है, रसोई यही हुआ करती थी, तो कमलगट्टा, पता नहीं कमलगट्टे का क्या बनना था, पता नहीं, तो कोई फोड़ नहीं पा रहा था, तो कहें ले आओ हम फोड़ते। सिलौटी अपने ही वहीं गद्दी में रख के और लोढ़ा लिए और फोड़ के बता रहे कि ऐसे फोड़ो। एक बार हमसे कह लेंगे कि भिंडी की सब्जी बनाओ महाराज जी, ये सन
82 की बात है, 81-82 में हम यही आश्रम में रहते थे, कमरा नंबर 5 में बाबा दादी के साथ। महर्षि ने संकल्प दिया था कि कुछ दिन हमारे साथ रहो, आश्रम में रहो, माता पिता को छोड़कर हम यही रहते थे, अकेले अपने बाबा दादी के साथ रहते। तो एक दिन कहने लगे कि तुम्हारी परीक्षा है, तुम भिंडी की सब्जी बनाओ। तो हम कहे महाराज भिंडी की सब्जी कैसे बनाए, काटनी आती है। अब ये कृष्ण की चंचलता के साथ हम बता रहे हैं आपको कि वो संत जो परम ब्रह्म है, हमारे लिए सच्चा बाबा भगवान है, परम ब्रह्म है, हाँ, लेकिन वो परम ब्रह्म किस तरह से सहज होता है, काटनी आती है। हमने कहा महाराज जी ऐसे ले आओ चक्कू, बताते हैं। तो भिंडी धुल के साफ करके हम ले गए और वहीं चौकी में बैठ गए और कहे देखो इतनी इतनी काटो, ना छोटी ना बड़ी, और देखो ऐसे भूंजना कि गल भी जाए और लिबलिब ना हो, हाँ उसमें लेसा होता है ना। तो कहे भिंडी बिल्कुल अलग अलग भी रहे, गल भी जाए और करारी भी हो जाए। अरे राम, इतने सारे उन्होंने उसमें शर्त लगाई, हम क्या हो गई छुट्टी, हाँ उसमें ये तो थी नहीं है। तो अब हम क्या करें, किसी तरह से आज भाई परीक्षा है। खैर हमारी माँ ने, माँ हमारा बहुत बढ़िया भोजन बनाती थी तो दिमाग में था बनाया। तो फिर उस दिन उन्होंने पूरी भिंडी, एक भिंडी छोड़ी नहीं कटोरे में, सारी भिंडी खाए, कहें तो तुम पास हो गई। तो कहने का मतलब महापुरुष जो उस चिंतन में है वो कभी कभी अपने भक्तों के साथ सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, हाँ जी। तो ऐसे ही हमारे कन्हैया भी सरल, मन की चंचलता है, मन की चंचलता को मार कर भीतर से गंभीर और ऊपर से सहज होने का नाम ही कृष्ण है। और वही संत है, वही साधक है जो सहज रहे, भीतर से जगा हुआ और ऊपर से परमात्मा से पगा हुआ, वही संत वही साधक है भैया, ध्यान रखना। तो इस भाव में हमारे भगवान श्याम सुंदर चरा रहे हैं। अब इसके बाद गैया भी चराने का समय आया, गाय चरावन के दिन आयो, गाय मोतिन को शुभ चा
छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल मदन गोपाल आ गया गे गैया पीछे पीछे ग्वाल आ गया गे गैया पीछे पीछे ग्वाल पीछे में मेरो मदन गोपाल गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हंस गए गैया दूध पिए ग्वाल मखन मिश्री मदन गोपाल ओ मखन मिश्री मेरो मदन गोपाल गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल बकासुर पाखंड का प्रतीक खड़ा है नदी के किनारे जमुना के किनारे गैया चराने गए बलराम जी राम जी बकासुर ये भी प्रतीक है पाखंड का वही बात जो मैं अभी कह रही थी भीतर राम राम ऊपर राम राम बगल में छुरी हाँ ध्यान लगाए बगुले को देखकर आप अंदाजा ये लगाते हो कि कितने बड़े ध्यान में है ये अंतरंग ध्यान कर रहा चिंतन कर रहा है लेकिन चिंतन क्या कर रहा है कि कब मछली आए और हम उसको गपाक से अपने में खा लें एक टांग से वो बड़ा तपस्या करता है तो ये बगुला और वो बगुले को भगवान ने दोनों उसके पकड़ के और गिरा दिया मार डाला और इस तरह से बकासुर का भी अंत हुआ पाखंड की जो प्रवृत्ति है उसको भी परमात्मा कैसे शांत करता है और इस तरह से भैया ये बात हुई बोलो संत समाज की स्वामी जी महाराज की जय हो तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया Oh, yeah.
खेरू कोई दिखे, अब सांझ हुई घनश्याम में व्याकुल गैया खोज लो, हम तो खोए हुए हैं संसार में, हम तो केवल निरीह होकर के अपने दर पर बैठे हैं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है, तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता। मेरा पैर टूट गया है, श्रद्धा का पैर टूट गया है, विश्वास का पैर टूट गया है, अब तो बस तुम्हारे दर पर पड़े हैं। है जी, हमें खोज लो, पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारी पकड़ मजबूत होगी, हम पकड़ेंगे तो छूट जाएंगे। हमारी पकड़ मजबूत नहीं है, क्योंकि हमारी पकड़ में स्वार्थ है, हमारी पकड़ में ये है कि हमारा गुरु जी ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। लेकिन जब वो पकड़ता है तो वो पहली बात तो कुछ करने नहीं देता, और अगर कर भी दिया तो भी वो उद्धार कर देता है। क्या बात है, इसलिए क्या बात है। हाउ जगत की बातों में मैं इसीलिए जल्दी इन कथाओं में जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर उधर चली गई तो फिर इधर आना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अब आइए चलते हैं। कहाँ हमारे अघासुर महाराज जी आ गए, फिर गए गैया चराने के लिए। जब दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन रोज चल जाते थे तो अघासुर भगवान चले आए। हाँ जी, अघासुर दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाला अघासुर होता है, ध्यान रखना। अगर तुम दूसरों की संपत्ति को हड़पोगे, डकार जाओगे, तो जैसे अजगर सब कुछ लील जाता है और डकार नहीं लेता, वैसे ही फिर अघासुर यानी अजगर कहलाओगे। अघासुर दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाले का प्रतीक है। अघासुर आया, बड़ा सा मुंह बनाकर उसने गुफा का लाल लाल मुख बनाया। अब ये सारे सब चले जा रहे हैं, बड़े आनंद में सब हैं, खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा चल रहा है, बैडमिंटन चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अपना खेल रहे धूल में कन्हैया, और सब लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, नोची नोचा भी हो रहा है, मारपीट भी हो रही, खाना पीना भी हो रहा है, बड़े आनंद में हो रहे। अचानक कन्हैया तो अलग से कहीं, ये सारे गोप गोपी खेलते खेलते देखे तो एक लाल लाल गुफा दिखाई पड़ी। तो एक दूसरे से कह रहे, अजी कल तक तो ये गुफा नहीं थी, वो गुफा कौन सी थी? अजगर का मुंह था। अजगर नीचे और ऊपर आसमान तक अपना पूरा मुंह ऐसे फैलाया, और जीभ लाल लाल, और उसके जो दांत थे अगल बगल वो कूटी जैसे लंबे लंबे। तो एक ग्वाल ने कहा, अरे लगता है कि एक कोई बहुत बड़ी गुफा तैयार की गई है, अंदर कोई साधु संत बैठे तपस्या कर रहे हैं, और ये खूंटी लगी है ताकि सब लोग अपना अपना झोला इसी खूंटी में टांगे और अंदर जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब अघासुर इसीलिए बोले बैठा था मुंह की, लोग घुसे और हम बंद करें गप से, तो ये सब चले गए। अब लाल लाल डामर रोड तो कड़ी होती है, लेकिन जो लाल लाल जीभ है वो बड़ी मुलायम मुलायम मखमली, बिल्कुल इतना मखमल जैसी जीभ रही, मुलायम मुलायम सी, तो चलने में लगे कि मखमल में चल रहे, गद्दा में चल रहे, तो लड़कों को बड़ा आनंद आया और सब घुस गए अंदर। कन्हैया मना करते रह गए, मना करते रह गए, लेकिन ये लोग माने नहीं, घुस गए। लेकिन वो मुंह खोले ही रहा, क्योंकि वो चाहता था कि कन्हैया भी अंदर घुस के आ जाए।
तो कन्हैया को भी जाना पड़ा और कन्हैया अंदर चले गए। और जैसे ही चले गए भैया, हाँ जी क्या बात है, अब जिस तरह से अड़ो रणियान महतो महियान, जैसे ही कन्हैया अंदर गए गप से उसने अपना मुंह बंद किया और कहा बस हजम कर देंगे, उसी प्रकार हमारे कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाया, इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया कि बढ़कर अजगर का पेट फट गया और उस फटे हुए पेट से सारे वो ग्वाले निकल कर बाहर आ गए। हाय कन्हैया हमसे तो बड़ी भूल भाई, हम तुम्हारी बात नहीं माने, यही तो बात, अभी तो हम हैं तो नहीं मानते और नहीं रहेंगे तो क्या होगा, समझदारी से चला करो। लाल लाल गुफा मखमल देखी घुस गए, आहा क्या बात। तो इस तरह से खैर अजगर मर गया, मर गया। सब बैठे अपनी अपनी पोटली खोल के, बड़ा सुंदर झांकी है ये, खोल कर बैठे सभी अपने अपने घर से भोजन लाते थे। कन्हैया नहीं लाते, कन्हैया गुरु तो सबके नेता थे, चेला थे। और कैसे चेला है, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्षित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के नेता है ये, तो इसलिए अपना कुछ नहीं लाते, सबके यहाँ से जो आता है पोटली खुलवाते हैं, तुम क्या लाया है, अजी हम तो आज सरसों का साग और मक्की की रोटी, अच्छा तुम क्या लाए, जी हम तो थोड़ा सा दही लाए, और तुम क्या लाए। इस तरह से सब अपना अपना सामान खोल कर बैठते हैं, खा रहे हैं। मधुमंगल एक बेचारा गरीब है, ब्राह्मण है, वो अपने घर से 3 दिन की बासी कढ़ी लेके आया है, 3 दिन या उसके घर में कुछ था नहीं, तो ऐसे कटोरिया में थोड़ी सी कढ़ी, तो वो अपनी कढ़ी को छुपा रहा है कि कन्हैया को हम ये कढ़ी ना खिलाएं, बासी है खट्टी हो गई है। कन्हैया ने कहा छुपा रहे, ला दो, और फौरन लिया उससे कढ़ी, और जैसे ही तो लेने लगे मधुमंगल ने तुरंत तो कढ़ी पी लिया। ध्यान से सुनना इस बात, मधुमंगल ने पी लिया, अब पी लिया तो उसके मुख में मूछें बन गई, कन्हैया ने उसके मुख से निकाल के और चाटा। ये दृश्य कौन देख रहा है, ऊपर बैठे ब्रह्मा। उस दिन ब्रह्मा के मन में आया कि भाई आजकल बड़ी सूचनाएं मिल रही है ब्रज से, चलो चलते हैं जरा देखते हैं कि क्या चल रहा है, ये कौन आ गया है, कैसे है, भगवान तो मोह में डालते हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे राम राम राम, ये गंदा सा लड़का उस गंदे से लड़के के मुख की कढ़ी उठा के चाट रहा है, इतना घिनौना, इतना घिन है, उसकी लार उस मुंह में जा रही, ओ हो ये परमात्मा है क्या, ओह नहीं ये भगवान हो ही नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में क्या बात है, हमारे कन्हैया जी ने मुस्कुरा कर ऊपर देखा और सबसे जूठा जूठा लेके खाने लगे, दिखाने लगे कि देख लो ब्रह्मा जी, ब्रह्म जब वैकुंठ लोक में होता है तुम लोग हाथ जोड़ते हो हैं, और अब नीचे है तो देखो ये कैसे लीला कर रहा है। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनको लोग भगवान कहते हैं, चलो जरा कुछ इनकी परीक्षा ली जाए। और ब्रह्मा जी ने परमात्मा की प्रेरणा से क्या किया, भगवान कन्हैया ने जानबूझ के मुंह इधर कर लिया तो इधर के गोप ग्वाले बछड़े गैया सब गायब, और जब भगवान ने उधर मुंह कर लिया तो इधर के गोप गैया बछड़े सब गायब। ब्रह्मा जी ने चुराया, चुरा करके गए बहुत दूर एक किसी गुफा में छुपा के और अपने ब्रह्मलोक चले गए। हाँ जी ब्रह्म का चिंतन करते करते, और इधर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ब्रह्मा हो तो हम तुम्हारे बाप हैं। और उन्होंने स्वयं वैसे ही सृष्टि कर दी, वैसे ही गैया, वैसे ही ग्वाल, वैसे ही सब, और बढ़िया बंसरी बजाते हुए चले। रास्ते में कहीं एक मिल गई, एक बंसी उठाया, उसको जब फूंका तो बहुत सुंदर आवाज निकली, बस उसको बजाते हुए और चल पड़े। आज पता नहीं क्या बात है,
जहां जहां वो गैया बछड़ा तो कुछ गैया गर्भवती थी जो कि नहीं टहलने आई तो उनके बछड़े गए थे तो वो बछड़ा भी कृष्ण बने हाँ और कुछ बछड़े बने हैं उनकी गैया चरने गई थी तो वो उन बछड़ों को भी आकर्षण तो आज सभी के मन में बड़ा आकर्षण है वो आकर्षण क्यों है क्योंकि कृष्ण ही तो गैया बना है कृष्ण ही तो गोप बना है और साहब जो गोप ग्वालों की माताएं हैं आज जैसे हृदय तृप्त नहीं हो रहा है बार बार हृदय से लगा रही हैं अपने बच्चे को और सोच रही हैं कि आज इतना प्यार क्यों आ रहा क्योंकि कन्हैया ही है ये लीला है कन्हैया की कि ब्रज के सभी लोगों को एक साथ वो कैसे मिलते इसलिए गैया गोप ग्वाले बन करके उनके परिवारों में भी कन्हैया पहुंच गए और इस तरह से एक वर्ष बीत गया ब्रह्मा जी को लगा कि चलो देखें अब तो वहां हाय तोबा मची होगी जरा देखते क्या होता है और जब यहाँ आए तो देखा सब मामला नॉर्मल है सब बढ़िया सब चल रहे हैं ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हुआ फिर भाग के गए देखे जहाँ छुपाया था तो वहाँ वो सब सो रहे फिर इधर आए तो देखा यहाँ वहाँ दो ही ग्वाले देखा यहाँ वहाँ सब गैया देखा तो इधर देखा उधर देखा जब समझ में नहीं आया तो फिर ध्यान किया जब ध्यान किया तो समझ में आया ओ हो ये तो कृष्ण है कृष्ण ने अपने स्वरूप से सबको बना लिया तब नीचे उतर कर आए और कन्हैया के पास हाथ जोड़ करके बहुत लंबी स्तुति किया उन्होंने और उस स्तुति में बहुत प्यार से उनसे कहा कि प्रभु अब हमें अपना लो हमसे गलती हो गई हमें क्षमा करो और तमाम स्तुति करी लेकिन एक बड़ी खास बात है क्या ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति की श्याम सुंदर ने लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया उन्होंने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी अपना समूह लेके चले गए इतने घबराए थे कि चार परिक्रमा करनी थी कृष्ण की तीन ही परिक्रमा करी और अपने बैठकर चले गए हंस में हाँ ब्रह्मा जी अपना समूह लेके चले गए कन्हैया ने ध्यान ही नहीं दिया उनको भाव ही नहीं दिया उसका कारण आगे बताएंगे क्यों किया ऐसा अब धीरे धीरे और आगे कथा चली और आगे भैया क्या बात है दादा दिन बरहाबीजं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानं वैरुणोधरः सुधया पुरयन् गोपवृन्दै वृन्दाख्यं स्वपद रमणं प्रविशत् गीतकीर्तिः श्लोक है जिस श्लोक को सुखदेव जी ने अपने शिष्यों को रटाया और कहा था सुखदेव को व्यास जी ने और कहा था जाओ सुखदेव को सुनाओ और ये श्लोक सुन करके सुखदेव जी एकदम से तिलमिला करके उठकर कि ये क्या है और आए और कहा कि ऐसे बहुत से श्लोक आपके पिता श्री के पास हैं और ये वो श्लोक है वराहवीरम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं ये रासलीला ये गोपियों के साथ जो संबंध है उस संबंध की बात है भैया बांसुरी बज रही है बांसुरी बजा रहे हैं बहुत सुंदर कृष्ण भगवान का रूप माधुर्य छलक रहा है मात्र 7 वर्ष की अवस्था में है यह ध्यान रखना महाराज के व्याख्या जो भी कुछ भी होगी वो सब कल होगी कल उद्धव का प्रसंग भी है महाराज की बात भी होगी और कल ही रुक्मणी विवाह भी होगा हाँ आज तो केवल हम भूमिका दे रहे हैं सारी गोपिकाओं के कान में जब ये बंसुरी पड़ी आवाज पड़ी तो उनको लगा जैसे कि भगवान उन्हीं को बुला रहे हैं सब आपस में बाहर आई तो देखा कि सभी भीड़ भाड़ में तो कहीं क्या चल रहा है तो आपस में विचार होने लगा पता नहीं कन्हैया में कौन सा आकर्षण है हम इस कन्हैया को कैसे पाएं कैसे प्राप्त करें तो किसी बूढ़ी गोपी ने कहा कि हम लोग चल के कात्यायनी मैया का अनुष्ठान करते हैं हाँ पहुंच गई यमुना किनारे एक मंदिर में और वहां यमुना में स्नान करने लगी
स्नान करके कात्यायनी के मंदिर में जा करके प्रार्थना कर रही है कि कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। मुझे नंद गोप वसुत को पति के रूप में प्राप्त हो ऐसा संकल्प करने लगे। बताइए 7 साल के उस बच्चे के प्रति यह भाव उनका आया कि यही हमको मिले। और तब स्नान कर रही हैं कार्तिक के महीने में। यमुना के स्नान का जो चलन है वो यहीं से आरंभ होता है। स्नान हो रहा है रोज। अब कन्हैया को पता चला कि ये सब स्नान कर रही हैं तो सुबह सुबह पहुंच गए तो देखा कि सारे वस्त्र रख कर और ये स्नान कर रहे हैं। तो इनके इस भाव को देख करके कन्हैया को थोड़ा सा लगा कि ये तो ठीक नहीं है और इसलिए कन्हैया ने जाकर अपना उनका सारा वस्त्र उठाया और कदंब के वृक्ष में बैठ गए। जब बैठ गए तो सारी स्त्रियां जब स्नान के निकलने को हुई तो देखा वस्त्र गायब किनारे से। तो देखा तो ऊपर भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। तो श्याम सुंदर से कहा वस्त्र दे दो। कहा नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा तुमने दो अपराध किए, एक लौकिक अपराध और एक धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध क्या है? देवता का अपमान होता है। अगर हम निर्वस्त्र किसी नदी में स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात कि समाज की मर्यादा को रखते हुए हम कोई मंचला है अगर आपके वस्त्र उठा के ले जाए तो आप क्या करोगे? मर्यादा का हनन होगा। इसलिए सामाजिक मर्यादा के हनन के लिए भी श्याम सुंदर ने उनके साथ इस तरह से किया। अब वो सारी गोपियां परेशान बेचारी क्या करें और कहा कि अगर लेना है तो बाहर आओ। तो देखो प्रेसी बनाना है, कृष्ण को अपना बनाना है तो सारी गोपियों को भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से शुद्धि करते हैं, आत्मिक शुद्धि करते हैं। वह परीक्षा ले रहे हैं कि इसकी इसके शरीर तल पर इसका कितना भाव है, आत्मा के तल पर कितना भाव है। ये वासना से तो नहीं प्यार कर रही है हमको, निर्वासना होकर के अगर प्यार करे है। कभी कभी मैं गाया करती हूँ, मेरी वासना को उपासना बना दो। आहा। और सारे जो कर्म हैं उसको साधना बना दो तो वासना उपासना बन जाए। कन्हैया ने इसलिए ये खेल किया और उस भाव से सारी गोपियां निकल कर आती हैं, हाथ जोड़ती हैं। कन्हैया ने कहा तुम इस परीक्षा में पास हुई, अब तुमको हम शरद पूर्णिमा पर जब स्वयं बुलाएंगे तब तुम महाराज के लिए आना और तुम्हारी बिल्कुल नियुक्ति हो गई है। तो सारी गोपियां प्रसन्न होकर के अपने अपने घरों में कृष्ण का गान कर रही हैं। इसी बीच में एक कथा जो छूट रही है वो मुझे याद आ गई और वो यह क्या बात है, कालियना की कथा। यमुना नदी में एक कालियनाग, सबसे बड़ा कालियनाग होता है, वह जहर के साथ अपनी पत्नियों के साथ पूरे जहरीला किए हुए है जल को और अंदर रहता है। नंद बाबा अपने प्रकोष्ठ में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। कई गोप ग्वाल कुछ लोग मृत को भी प्राप्त हुए, बेहोश भी हो जाते थे, जल पीते थे। तो ऐसी स्थिति में कहने लगे किया क्या जाए, क्या करें। तो इतने में कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया ने सुना सब कुछ तो कन्हैया चुप तो रहे, लेकिन दूसरे दिन कन्हैया जब गौ चराने के लिए गए तो बलराम जी से सबसे कहे कि ऐसा है चलते हैं जरा उधर की तरफ। तो कहे वहां ना जाना लल्ला। कहा नहीं हम तो वहीं जाएंगे और कालियनाग की तरफ ही जहाँ वो रहता है, जहाँ जल जहरीला है वहां पहुंच गए और जानबूझ करके श्री रामा की गेंद को उठाया और डाल दिया जल में। अब श्री रामा कहने लगा हमको तो यही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा दूसरी ले ले, नाटक कर रहे हैं, मैं दूसरी दिला दूंगा, उससे अच्छी दिला दूंगा। नहीं नहीं मोह को वही गेंद चाहिए। अब क्या करें बेचारे। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है। और कन्हैया कूद जाते हैं, भैया कूद गए। तस्मात गवान सभी कन्हैया जैसे ही कूदे तो कूद के उन्होंने काले से बहुत लड़ाई किया और लड़ाई करने के बाद सारी जो उनकी स्त्रियां हाथ जोड़ रही हैं
और हाथ जोड़ के कह रही हैं हमारे पति को छोड़ दो, पूरी तरह से न मारो। तब कन्हैया ने उन्हें क्षमा किया, उसके 100 फनों पर उसके पैर के चिन्ह लगा करके और ऊपर आगे भैया तांडव गाते मुंडन पर नेर दवनवारी, तांडव गाते मुंडन पर नेर दवनवारी, और इस तरह से वृंदावन को काली दाह से भी बचाया प्रभु ने। अब आते हैं वहां, क्या बात है, जहां सुबह सुबह उठे भैया, हाँ व्यवस्था कर लो, हाँ हो गई व्यवस्था, क्या बात। तो सुबह सुबह अलसाए हुए कन्हैया, कन्हैया बिना नहाए धोए सुबह उठ के माखन रोटी खाते हैं, हाँ हम लोग उनके भक्त हैं, हम लोग कहते बिना बिना नहाए और बिना पूजा किए हम जल नहीं पीते, और इसे में हम क्या बात है, बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और कन्हैया 8 बार खाते हैं, हाँ ये जो 56 भोग की विधा है, 7, 8, 56, 7 दिन तक कन्हैया गोवर्धन जो उठाए रहे, तो 7 दिन में 8 का जब जोड़ोगे तो 7, 8, 56 या 8, 7, 56, इसलिए 56 भोग लगता है और अभी लगने वाला है। आप देखिए हमारे कन्हैया सुबह सुबह अलसाए अलसाए उठे और उठ के सीधे ही मांगते थे, ना टूथपेस्ट ना ब्रश ना कुछ, उठे मैया 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 मैया, आज जरा कुछ ज्यादा ही बिजी है, व्यस्त है। उठ के गए, उठना पड़ा, उठ के गए अलसाते हुए आंख मलते हुए, तो देखा तो मैया मुंह में पट्टी बांध के पकौड़ी बना रही है। मुंह में पट्टी का है कि कहीं मुंह से कोई थूक ना गिर जाए, इसलिए शुद्धता के पकौड़ी बना रही, कचौड़ी बना रही, बड़ी बढ़िया बढ़िया महक आ रही। ए मैया तू पकौड़ी मुंह को दे ना, मेरे को दे दे, भागो यहाँ से, चलो बिना नहाए धोए चला आया, भाग यहाँ से। अरे तो ये पकौड़ी किसके लिए बन रही है, कहाँ है पकौड़ी, जय जय भगवान के लिए बन रही, जय जय भगवान। आप लोग भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या कहते हो, जय जय भगवान करो, जय जय करो, जय जय करो, है ना। तो मैया भी कह रही जय जय भगवान, कही हे भगवान ये जय जय भगवान तो हम ही है, दूसरा जय जय भगवान कहाँ से आ गया। अरे मैया दे दे लड्डू, कितने बढ़िया लग रहे हैं, एक लड्डू हमें दे, माँ को दे, तो मुँह को दे दे, मुँह को दे दे, जय जय भगवान, जय जय भगवान। और जैसे ही कचौड़ी पे हाथ मारा, हे दूसरी गोपी ने उठा के उधर
ढकेल दिया, भागो यहाँ से भागो, पहले नहा धो के आओ। अरे रोज तो बिना नहाए खाते थे, आज ही बिना नहाए कैसे, क्या चक्कर, हम तो खाएंगे। जय जय भगवान। अरे जय जय भगवान कौन है? नंद बाबा से पूछो जाके। नंद बाबा बेचारे वो अपने गोप गोपियों के साथ लगे हुए, हे वो घी कहाँ रखा है देखो, अच्छा वो देखो गोबर रखा कि नहीं लिपने के लिए, अच्छा वो देखो कहाँ हवन सामग्री में वो काजू किशमिश मिला है कि नहीं। अब ये बेचारे परेशान, या सुबह से सबको हो क्या, ये सब पगलाए का है। कन्हैया ने कहा बाबा बाबा न हमें तो बताओ कि क्या कुछ नहीं, जय जय भगवान के लिए व्यवस्था हो रही। अरे जय जय भगवान, बड़ी समस्या, कहीं कौन जय जय भगवान। तब फिर कन्हैया को गोद में लेकर नंद बाबा ने कहा बेटा हम लोग हर वर्ष इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। अब ये जो भागवत की कथा है ये प्रकृति की कथा है, प्रकृति का सम्मान करो। हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते और इसीलिए समस्याएं आ जाती हैं, ध्यान रखना। हाँ, प्रकृति को अगर नहीं समझाओ संभालोगे, कोरोना ने हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया है लेकिन हम फिर गड़बड़ा रहे हैं और फिर आ रहा है, ध्यान रखना। सुन रहे हैं हम भी विश्वस्त सूत्रों से कि फिर से आ रहा है कोरोना का नाग, ध्यान रखना। प्रकृति का सम्मान नहीं करोगे तो यही होगा। सन 2013 की बात याद कर लो केदारनाथ की, कि जब जल अपने पर आता है तो सब कुछ विप्लव हो जाता है। प्रकृति का भयंकर रूप आप देखना चाहते हैं तो देखें जगन्नाथपुरी में हर वर्ष। अभी ये बता रहे थे हमारे बिरंची जी कि अभी चार दिन पहले बहुत भयंकर तूफान आया है और उस तूफान से निकल करके ये आ गए बाबा की कृपा से, नहीं तो फंस जाते, गाड़ियां बंद हो जाती। तो ये प्रकृति से कहां तक लड़ोगे तुम? तो प्रकृति की पूजा ये भागवत के शिक्षा है, सूत्र है। तो कहने लगे नंद बाबा कि इंद्र भगवान को हम पूजन करते हैं। तो कहे इंद्र भगवान को केवल आप पूजन क्यों करते हैं? कन्हैया ने पूछा। कहा इसलिए कि अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और जब नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे तो पानी फिर नहीं बरसाएंगे और जब पानी नहीं बरसेगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनेगी, जब रोटी नहीं बनेगी तो तुम खाओगे क्या? बोलो राधे राधे, जोर से राधे राधे नहीं बोलोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमें कभी कभी लगता है तुम सब लोग सो रहे हो, इतने चुप्पे होके सुनते हो। हाँ, तो भैया ऐसी जब बात हुई तो कहे हो अच्छा, तो इसका मतलब है कि पूजा नहीं करोगे तो ये पानी बरसाएंगे या नहीं बरसाएगा? हाँ, कन्हैया को समझ में आ गया। देखो बड़ा राष्ट्रपति जो बैठता है, प्रधानमंत्री जो बैठता है ना, तो वो अपने नियुक्त करता है सांसद को, अपने लोगों को नियुक्त करता है पदों में। तुम्हें जल का विभाग, तुम्हें अन्न का विभाग, तुम्हें कपड़ा मंत्री, तुमको गृह मंत्री। तो अब वो मंत्री ठीक से काम न कर, उसको तनख्वाह मिलती है, उसको आवास मिलता है, तो वो उसको मोहताज है पूजा का? उसका तो काम है वो पानी समय पे बरसाए। कन्हैया ने समझाया, कहा कि क्या बात कर रहे हैं नंद बाबा जी, बाबा ये क्या बात कर रहे हो? अरे वो तो इंद्र का काम है पानी बरसाना, आप पूजा नहीं करोगे तो पानी नहीं बरसाएगा। कहा यही बात होती है, हफ्ता वाला चक्कर है, हफ्ता नहीं मिलेगा। दादा लोग जो होते हैं ना, नैनी में दादा होते हैं कि नहीं होते हैं? भैया शर्मा जी दादा होते हैं, ये शर्मा जी खुद ही दादा है। हाँ, हफ्ता ना मिला तो गड़बड़ मामला। हाँ, इसलिए डरते हैं हम लोग नैनी की, जब लोग आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं, अरे बाप रे हफ्ता लेने तो नहीं आ गया। तो हफ्ता ये तो विनोद की बात है और कोई बात नहीं। तो उस प्रकार हफ्ता दादा, तो कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, कहा ये कौन सी बात है दादा? अब कन्हैया ने समझाना शुरू किया, कहा देखो इंद्र की पूजा मत करो, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, ये गोवर्धन पहाड़ युगों युगों से यहाँ पर खड़ा है और इस गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो। गोवर्धन पर्वत कैसे आया आपको पता है? कहाँ से आया गोवर्धन पर्वत? को गिरिराज महाराज के नाम से हम जानते हैं और ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। और इनके बारे में एक छोटी सी कथा मैंने जहाँ पढ़ी है, मैं आपको भी सुना दूं कि गिरिराज कहाँ से आए। हनुमान जी का इसमें हाथ है, गिरिराज को उत्पन्न करने में, वहां रखने में हनुमान जी का हाथ। त्रेता युग में जब भगवान राम जी ने अवतार लिया तो लंका पार करने के लिए भगवान के नेतृत्व में वानरों ने पत्थर लाना शुरू किया। आसपास के पत्थर जब खत्म हो गए तो दूर दूर से पत्थर आने लगे।
उसी में हनुमान जी हिमालय पर गए और वहां से एक पर्वत उन्होंने उठाया और समुद्र की ओर चल पड़े। जब चल पड़े तो वृंदावन के पास आए तो उनको खबर मिल गई कि अरे पुल तो बन गया, अब पत्थर की जरूरत ही नहीं। तो अब हनुमान जी ने कहा कि अब क्या करें, ये पत्थर तो हम ले आए हैं। तो उसको वहीं जमीन पर वृंदावन की धरती पर हनुमान जी ने उस पत्थर को रख दिया। तो रख दिया तो पर्वत ने कहा, महाराज ना तो मैं घर का हुआ, ना घाट का हुआ, ना राम जी के काम आया और ना मैं अपने ही स्थान पर रह पाया जहां मैं रहता था अपने मित्रों के साथ। आपने यहाँ परदेश में आकर हमको बिठा दिया, तो भाई ये तो बड़ी नाइंसाफी है। पर्वत की मनोदशा समझकर हनुमंत लाल जी ने कहा, द्वापर में जब भगवान राम ही कृष्ण का रूप रखकर आएंगे तब आपको अपनी उंगली में उठाएंगे और तब आपको अपना रूप बना देंगे और आपका पूजन होगा। इसलिए बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान को वो बात याद आ गई और कृष्ण ने कहा, बाबा गोवर्धन की पूजा करो। और गोवर्धन की पूजा करने पर आहा क्या बात है, बड़ा आनंद आया। और गोवर्धन की पूजा करने में सब अपने अपने घर से कहा, देखो जो तैयारी है, तैयारी तो है ही है, अपने अपने घरों से बढ़िया बढ़िया भोजन बना के लाओ। कोई मठरी बना के लाओ, कोई खिचड़ी बना के लाओ, कोई कढ़ी बना के लाओ, सब अपने अपने घरों से बनाकर। कन्हैया का इतना प्रभाव जम गया था उस समय तक कि कन्हैया की हर बात ब्रजवासी मानने लगे थे। बाबा ने कहा तुम कह रहे हो तो हम वही करेंगे। इंद्र का पूजन छोड़ा और पूजन शुरू हो गया। भैया क्या बात होरचन है, खीर मोहन खीर सा और खूरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है, मोहन थार मेवा बाटा मठरी मैसूर पाक है, पेड़ा रसगुल्ला रसरबड़ी और सुहाई है, भुजिया नमकीन से गांडिया सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधु को श्याम नंद बाबा सब सामग्री लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, नंदलाला मेरे गोपाला नंदलाला मेरे गोपाला। पंडित जी आ जाए, पंडित जी आ जाए और आकर के भगवान का पूजन करें। भगवान भी आ रहे हैं, आहा ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोवर्धन महाराज है गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, मुकुट विराज रहे। नाचो नाचो गोपी ग्वाल, नाचो ग्वाल बाल नाचो एक दूसरे के सामने। अरे ग्वाल बाल चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, थोड़ी पे हटोड़ी पे हटोड़ी पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। अच्छा भाई कन्हैया गोपों के साथ यहाँ आवे और भोग लगावे, आओ आओ कन्हैया आ जाओ, बाल बाल सब जने आ जाओ। ए, लेकिन भैया ये मोटा मोटा जो गोप है, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, ये मोटा गोप कहीं पूरा ना खा जाए, इसको पीछे सब बैठ जाएंगे, सब अपने अपनी जगह पे बैठ जाइए, ये मोटा मोटा गोप कहीं सारा ना खा जाए, इसको पीछे रखना। कन्हैया आओ ऊपर आओ, हाँ गोवर्धन महाराज, अभी नहीं अभी नहीं, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। पंडित जी हाँ जरा पूजन करें, गोवर्धन जी प्रकट हो गए हैं कृष्ण के रूप में, पूजन करें। स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिश्चनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, वृणदक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। गिरिराज धरण हम तुमरि शरण, गिरिराज धरण हम तुमरि शरण, बचा देना। प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बैठ जाए सब लोग बैठ जाए। अच्छा जी भगवान की पूजन हो गया, भगवान भोजन करने लगे, सब खुशियां मनाने लगे। इंद्र के पास जब सूचना पहुंची तो इंद्र ने बड़े जोर से गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांदकारणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाच जाहेशमान युत। और तब क्या बात, गिरे पर बरसन लागे बादर, तुम सबके सामने जो खा रहे हो ना, तुम लोग आज शाम का भोजन नहीं मिलेगा और खा ले। हाँ देख देख सर लागे बा।
लगी, बड़ी जोरों से बरसात, नगाड़ा बजा, बरसात, क्या बात, इतनी जोर पानी बरसा। आहा, अब तो भाई सभी परेशान, भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन को अपने हाथ में उठाया, उठाया, क्या बात है, बोला गोवर्धन धारी भगवान की जय हो। समझो बेटा, हाँ, भगवान ने कहा कि देखो भाई अपनी अपनी लकुटी लगाओ, पुरुषार्थ की लकुटी भी लगाई, लगवाई सबसे कि देखो तुम पुरुषार्थ करो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस प्रकार से जब सारे ब्रजवासियों को कहा अंदर आ जाओ, सारे छकड़े सारा सामान सब अंदर आ गया, अब ऊपर पानी गिरने लगा, बहने लगा, पूरा ब्रज बहने की स्थिति में आ गया, तो भगवान ने याद किया किसको, अगस्त ऋषि को, और कहा कि अब पानी तुम सोखो, ऊपर से पानी बरस रहा है, कोई कहता है सुदर्शन चक्र आ गया, और पानी को उसने सोख लिया, नीचे धूल उड़ रही है, ऊपर पानी बरस रहा है, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सखियां देख देख के कह रही हैं, देखो हमारे यहाँ का मक्खन खाता था कितना बलवान हो गया, देख रहे हो ना इसकी भुजाएं, छंगुनिया को है कैसे उठा ले रहा है, हमने इसको दूध पिलाया, हमने मक्खन खिलाया। पहुंच गए कन्हैया, सुन रहे हैं, कन्हैया ने कहा नहीं, कछु माखन कल्प को बल बढ़ो, अब कछु को करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। कल के प्रसंग में राधा का प्रसंग भी है, महाराज का प्रसंग है, आज तो केवल इतना। आहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। अब एक छोटी सी बात सुन लो, 5 मिनट का समय है इसलिए कह दे रही हूँ। गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जब देखा इंद्र ने कि अरे ये क्या है, ऊपर आकर देखा उसने, जब तो देखा तो नीचे धूल उड़ रही, ऊपर पानी बरस रहा है, बड़ा आश्चर्य हो गया, नीचे आया और आकर के उसने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। अब देखें इंद्र ने भी प्रार्थना करी भगवान से और कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ नहीं पाया, बहुत कस के डांटा और कहा कि नहीं, तुमको इस तरह से नहीं करना चाहिए, कोई तुम्हारी पूजा करे ना करे, तुम्हें अपना काम करना, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है जल बरसाने के लिए समय पर, तो तुम बरसाओ, ये कौन सी बात है कि जब पूजा होगी तभी तुम बरसाओगे, तो ऐसा काम नहीं करना। खैर क्षमा कर दिया इंद्र को। अब मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से भी गलती हुई, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रभु ने क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया, क्यों? किसी ने पूछा प्रभु से क्यों ऐसा आपने क्यों किया, बहुत सुंदर बात कही हमारे कान्हा ने, कहा देखो ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के लिए मुझे मेरे ग्वाल बालों और गायों से दूर कर दिया था, लेकिन इंद्र के लिए, इंद्र से मैं इसलिए प्रसन्न हुआ कि 7 दिनों तक मेरे ग्वाल बाल मेरे पास रहे, इसलिए मैंने इंद्र को क्षमा कर दिया। ये भाव है कि कन्हैया हमेशा अपने भक्तों के साथ रहना चाहता है, क्या बात है, और वही बात 7×8=56, 8 बार भगवान खाते हैं तो वो 8-7 दिन तक बिना खाए पिए खड़े रहे, इसलिए 56 भोग का जो प्रसाद की भावना है वो यही है, 56 भोग लगता है। तो इस तरह से भगवान ने अपनी वो लीला की, कल की कथा में रास महारास की बात,
और उद्धव प्रसंग, गोपी संवाद और उसके बाद रुक्मणी का विवाह। कल रुक्मणी का विवाह है, आप सभी लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर आइएगा, जैसे शादियों में जाते हैं वैसे सच के आइएगा। प्रभु चाहेगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये कृष्ण यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो प्रभु हो सकता है कल रुक्मणी कृष्ण भी प्रकट ही हो जाएं और उनके विवाह और वो कैसे लेके भागते हैं वो सारी झांकी आपको दिखाई जाएगी। आइए प्रेम के साथ हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सच्चे महाप्रभु की जय हो, गिरिराज की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, त्रिवेणी मैया की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। राधे करते रहो करते रहो। कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में भजन के माला बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, रमरसी अलक सुरी तिलक चंद्रसी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे, से सुमन रास बरसे, बजे मुरंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कहां से प्रकट भये गंगा, करुत कलिहारण श्री गंगा, शरण से होत मोह भंगा, बसे शिव से जटा के भी हरे अघ की, चरण छब श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमक के उज्ज्वल तट रेणु बज रहे वृंदावन देणु, कहो दिस गोपी ग्वाल देणु, हसत मृदु मंद
चांदनी चंद कटत भव फंड तेर सुन दीन बिथारे के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारे की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारे की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती सच्चे स्वरूप की आप रूप अद्भुत स्वरूप की आरती श्री सच्चे स्वरूप की बोध रूप बोध स्वरूप की आरती श्री सच्चे स्वरूप की प्रकृति भूप प्रारात भूप की पुरात भूप पुरुषार्थ रूप की स्वयं स्वरूप की आरती श्री सच्चे स्वरूप की आरती निज सत्य स्वरूप की आरती श्री सच्चे स्वरूप की भरपूर गौरव कर्णावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार तथा वसन्तं हृदयारविन्द्री भवं भवानी सहितं नमा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या भवनं त्वमेव त्वमेव सर्वमदेव देव त्वमेव सर्वमदेव देव त्वमेव सर्वमदेव देव उमंग मीडिया है साथ अपनों का।